हेलो फ्रेंड्स, पीजीबीपी हेड में लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए हमने बात की प्रायोरिटी ऑर्डर की कि पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देन ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल चार्ज करेंगे, देन ब्रॉड फॉरवर्ड यूडी चार्ज करेंगे। ये हमने समझा था प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर हमने कहा अप्लीकेबल होगा, इन जनरल अप्लीकेबल होगा। कब अप्लीकेबल होगा? जब करंट ईयर की पीजीपीपी इनकम बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन पॉजिटिव हो तो अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर करंट ईयर की पीजीपीपी इनकम बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन नेगेटिव हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उस सिचुएशन में हमने बात की एसएससी पहले ओबीएल का सेट ऑफ क्लेम करेगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 किया था और क्वेश्चन नंबर 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सिचुएशन बन रही थी? क्वेश्चन नंबर 10 में सिचुएशन बन रही थी आपकी बिजनेस इनकम पीजीपीपी इनकम बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन पॉजिटिव आ रही थी दोनों इयर्स में, तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर अप्लीकेबल किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 में करंट ईयर का की बिजनेस इनकम, करंट ईयर की बिजनेस इनकम पीजीपीपी इनकम बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन ही नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, तो हमने कहा प्रायोरिटी ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होगा। और इस सिचुएशन में हमने क्या किया? पहले ओबीएल का सेट ऑफ क्लेम किया। तो ये 80,000 जो है, 80,000 वो प्योरली ओबीएल है, ठीक है। रीजन अभी तक हमने डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया ही नहीं था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये 80,000 जो है ये ओबीएल है। हमने ओबीएल पहले सेट ऑफ करवा दिया, किस में से? करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से ओबीएल का सेट ऑफ पहले ले लिया, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो अभी हमने चार्ज ही नहीं किया था, ठीक है। पहले हमने ओबीएल सेट ऑफ करवा दिया, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर नॉट अप्लीकेबल कर दिया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था करंट ईयर की पीजीबीपी इनकम बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन नेगेटिव थी, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर तोड़ दिया, नॉट अप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? करंट ईयर की पीजीबीपी इनकम बिफोर चार्जिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या रही थी? पॉजिटिव आ रही थी। क्या रही थी? पॉजिटिव आ रही थी। तो हमने उस सिचुएशन में क्या किया? प्रायोरिटी ऑर्डर अप्लीकेबल कर दिया, और पहले हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर हमने ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल चार्ज किया, फिर हमने ब्रॉड फॉरवर्ड यूडी चार्ज किया, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ये प्रोविजन हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे। अब उससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन किया था। हमने उसमें बात की थी कि एक ब्लॉक सेकंड जो हमारा था, ब्लॉक सेकंड में एडिशनल डेप्रिसिएशन 40,000, ठीक है, ये 10% है, ये 10% ही क्लेम कर पाए हम, क्योंकि 180 डेज का रूल लग गया, तो बैलेंस 10% इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये नोटिंग करिए, ये नोटिंग करिए, मैंने आपको कहा था, तब मैंने आपको ये नोट करवाया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका 10% आया, ये आपने 10% क्लेम किया करंट ईयर में, ठीक है, ये करंट ईयर में आपने क्लेम किया, और इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में 10% बैलेंस वो तो आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम करोगे, वो तो आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम करोगे। अभी करंट ईयर में जो आपने 40,000 क्लेम किया, आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं था, आपकी WDV थी 30,000, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसमें से चार्ज हो गया था, तो आपके पास रिमेनिंग WDV 25,500 बची थी, और आपको ये 10% वाला ही
डेप्रिसिएशन 40,000 चार्ज करना था, तो मैंने बोला ये डीम टू हैव बीन अलाउड टू द सेसी मान लिया जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 40,000 अलाउ हुआ ही नहीं, वो 10% वाला। आपको रिमेनिंग WDV 25,500 बची तो उतना ही अलाउ हुआ, तो मैंने बोला ये आपका 14,400 आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मानते हुए नेक्स्ट ईयर में हम सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, बताइए कर सकते हैं या नहीं। तो ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 14,500 वेस्ट हो गया, ये इमीडिएटली सक्सेडिंग ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों? ये 40,000 ही पूरा का पूरा आपको डीम्ड टू हैव बीन अलाउड मान लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अलाउ तो 25,500 ही हुआ था, 14,500 वेस्ट हो गया और ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, क्लियर। चलिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बातें खत्म हुई, अब आगे बात करते हैं। आज के लिए नया पॉइंट समझते हैं, डेप्रिसिएशन किस पे अलाउ होता है, एसेट की कॉस्ट पर। और एसेट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जिस अमाउंट पर एसएससी उस एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। तो जिस अमाउंट पर एसएससी उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट पर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। अब कॉस्ट समझना दो टाइप की होती है, एक हम समझ रहे हैं अभी एक्चुअल कॉस्ट, एक आगे चलकर हम समझेंगे नोशनल कॉस्ट। तो इन जनरल डेप्रिसिएशन अलग होता है एक्चुअल कॉस्ट पर, और एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में दे रखी है। एक्चुअल कॉस्ट का क्या मीनिंग है, अमाउंट ओरिजिनली इनकर्ड फॉर दैट एसेट एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन बाय कॉस्ट विच इज मेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल एसेट के लिए अमाउंट ओरिजिनली इनकर्ड था 1 लाख, 1 लाख की एसेट एसएससी ने खरीदी और अदर अथॉरिटी से कुछ कॉस्ट मीट आउट हुई, मतलब एसेट पर कुछ खर्चा अदर अथॉरिटी अदर पर्सन ने किया, कितना 60,000। तो एसएससी की जेब से कितना खर्चा हुआ एसेट के लिए 40,000। तो इस सिचुएशन में एसेट की एक्चुअल कॉस्ट, भले ही एसेट का बिल 1 लाख का है एसएससी के पास, बट एसएससी ने अपनी जेब से कितना पैसा इस एसेट के लिए खर्च किया 40,000, तो एसएससी को डेप्रिसिएशन 40,000 पर मिलेगा, भले ही उसके पास एसेट का बिल 1 लाख का हो, ठीक है। तो अमाउंट ओरिजिनली इनकर्ड 1 लाख, अदर अथॉरिटी से कुछ कॉस्ट का पोर्शन मीट आउट हुआ 60,000, तो एसएससी की जेब से उस एसेट के लिए आउटफ्लो कितना हुआ 40,000। तो एसएससी के लिए एक्चुअल कॉस्ट 40,000 माना जाएगा और डेप्रिसिएशन 40,000 पर अलाउ होगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट समझना इसी में ही, एसएससी एसेट एक्वायर करने का एक्सपेंडिचर कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो पेमेंट करता है एक सिंगल डे में एक सिंगल पर्सन को। पेमेंट किसको करता है, सिंगल डे में करता है और सिंगल पर्सन को पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट जो हो रहा है वो सिंगल सम या एग्रीगेट सम ऑफ होल डे, फुल डे का एग्रीगेट देखेंगे, मतलब एक टाइम का पेमेंट या फुल डे का एग्रीगेट पेमेंट। अगर वो एक्सीडिंग 10,000 हो रहा है, अगर एसएससी को खर्चा कर रहा है एक्सीडिंग 10,000, तो एसएससी को ये एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना होगा, प्रेस्क्राइब्ड मोड से करना होगा।
तो कहने का मतलब एसेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का जब भी एसएससी पेमेंट करता है और वो पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 है, पेमेंट किसका, सिंगल सम का और एग्रीगेट सम ऑफ फुल डे होल डे का, अगर वो सिंगल पर्सन को सिंगल डे में पेमेंट करता है और वो पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 है, तो एसएससी को ध्यान रखना होगा कि प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट करना है। अच्छा, प्रेस्क्राइब्ड मोड का क्या मतलब है, अकाउंट पे ही चेक और डीडी और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करें या एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से करें। प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड का क्या मतलब है, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से पेमेंट करें, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस से पेमेंट करें या यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पेमेंट करें या भीम ऐप से पेमेंट करें या आधार पे से, मतलब प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करें अगर पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है। अगर एसएससी ऐसा नहीं करता, अगर एसएससी क्या करता है, पेमेंट करता है अदरवाइज देन, मतलब प्रेस्क्राइब्ड मोड के अलावा पेमेंट करता है, तो उस सिचुएशन में उसने जो पेमेंट किया प्रेस्क्राइब्ड मोड से नहीं किया, तो इस पेमेंट को एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं माना जाएगा, इस पेमेंट को टोटली इग्नोर किया जाएगा और एसेट की कॉस्ट का पार्ट ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसने जो पेमेंट किया एक्सीडिंग 10,000 है, प्रेस्क्राइब्ड मोड से नहीं किया, तो उस पेमेंट को उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं माना जाएगा। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा एसएससी ना तो उस एसेट पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा और ना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा और उस एसेट की कॉस्ट को ब्लॉक तक में ऐड नहीं कर पाएगा, एडिशंस टू द ब्लॉक में रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। वो हम ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, तो हम एडिशंस टू द ब्लॉक में वो एसेट ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें भी ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त भी उस डेप्रिशिएबल एसेट की सीओए का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो पेमेंट जो एक्सीडिंग 10,000 है और अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड पेड हुआ। ठीक है, तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट भी नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त। जब हम उस डेप्रिशिएबल एसेट का कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं तो उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर भी उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो पेमेंट जो एक्सीडिंग 10,000 है और अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड पेड हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बात, ये थी एक्चुअल कॉस्ट की बात। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम क्या पढ़ के आए, अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एसएससी पेमेंट करता है, पेमेंट पर 10,000 की लिमिट है, एक्सीडिंग 10,000 पेमेंट हुआ। ठीक है, तो ये बात पेमेंट पर अप्लीकेबल है, रिसीव करने पर नहीं, रिसीव करने पर ये 10,000 की लिमिट नहीं है, सिर्फ पेमेंट पर है। ठीक है, तो एसएससी मान लो एसेट सेल करता है तो जो सेल कंसीडरेशन मिलेगा ब्लॉक में से, वो जब सेल वैल्यू लेस करेगा, उन एसेट की सेल वैल्यू लेस करेगा डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए, तो सेल वैल्यू भले ही एक्सीडिंग 10,000 हो और अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड रिसीव हुई है तो भी ये सेक्शन नहीं लगेगा, कारण ये एक्सीडिंग 10,000 वाला पॉइंट पेमेंट के लिए है ना कि रिसीव होने पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आइए, मिस्टर पवन ओन्स प्लांट ए एंड प्लांट बी, कब, एज ऑन 1st अप्रैल 2022 को, इस ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 50,000 और ब्लॉक पर अप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट है 15%। ठीक है, तो लिख दो ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज ऑन 1st अप्रैल 2022 50,000। फिर इस ब्लॉक में एसएससी ने एडिशन किया 20 जून 2022 को, प्लांट सी परचेस किया 5 लाख 30,000 है बिल,
5,30,000 है, अब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का एसएससी ने पेमेंट कैसे किया? 5,30,000 में से 1,85,000 कैश में कर दिया, गलती कर दी, प्रेस्क्राइब मोड से नहीं किया, तो ये 1,85,000 इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो इस एसेट की कॉस्ट वैसे बिल है 5,30,000 का, इसमें से 1,85,000 को तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं माना जाएगा, तो इस एस और बाकी का पेमेंट कैसे किया है? आरटीजीएस से, ये तो प्रेस्क्राइब मोड है, ठीक है। तो बाकी का पेमेंट कैसे हुआ? बाकी का पेमेंट कितना था? 3,45,000, ये तो कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो एसेट की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 5,30,000 नहीं, क्या मानी जाएगी? 3,45,000। और ये ब्लॉक पे भी एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट 15%, मतलब इसी ब्लॉक में आके ये एसेट ऐड होनी है और ये एसेट सेम डे पुट टू यूज हो गई है। तो इस एसेट को आप ब्लॉक में ऐड करिए, ऐड एडिशंस टू द ब्लॉक, प्लांट सी ऐड हुआ, कॉस्ट क्या बताओगे? 5,30,000 नहीं, 3,45,000। रीजन, 1,85,000 का जो पेमेंट कैश में हुआ है वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं माना जाएगा। फिर क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि ऑन दिसंबर 1, 2022 को प्लांट बी सेल किया गया 5,20,000 में और 2,00,000 कैश रिसीव हो गया। रिसीव होने पर ये पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 वाला पॉइंट नहीं लगता है, ये पेमेंट पे लगता है, रिसीव पे नहीं लगता है, ठीक है। और बाकी का पैसा तो अकाउंट पे चेक से मिला है, ठीक है। और प्लांट सी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है, तो ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। चलिए, आपको इसमें कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और अगर कैपिटल गेन भी हो रहा हो तो देख लेना, देख लेंगे। अब सेल वैल्यू पूरी की पूरी लेस करेंगे, इस 2,00,000 कैश रिसीव होने का कोई इंपैक्ट WDV पर नहीं पड़ेगा। रीजन, ये रिसीव है, पेमेंट नहीं, ठीक है। तो सेल कंसीडरेशन पूरा का पूरा 5,20,000 लेस हो जाएगा, कर दीजिए लेस। बट ये लेस करने से आपकी WDV नेगेटिव हो गई। कैलकुलेशन करो, 50,000 ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू प्लस एडिशन टू द ब्लॉक 3,45,000, तो ऐड करने से ये हुआ 3,95,000। इसमें से सेल वैल्यू 5,20,000 लेस कर दीजिए, आपकी WDV आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है क्या WDV? 1,25,000। मैंने बताया था आपको कि WDV नेगेटिव आए तो उसको नेगेटिव नहीं लिखेंगे, निल लिखेंगे। WDV नेगेटिव आने पर निल लिखा जाएगा। तो निल पर, निल WDV पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% नॉर्मल, तो वो भी निल हो जाएगा, वो भी निल हो जाएगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन 3,45,000 पर मिलेगा 20% की रेट से, ये भी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिया जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली देखें तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होके भी अलाउ नहीं हुआ, अलाउ होके भी अलाउ नहीं हुआ। तो क्या इसको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मान ले, नेक्स्ट ईयर में इसको सेट ऑफ करा ले? नो, ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है। कारण, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो होता है जो एसेट पर से चार्ज हो जाता है, प्रॉफिट से चार्ज नहीं होता है। एसेट पर से तो चार्ज हो जाता है, प्रॉफिट से चार्ज नहीं होता है, वो होता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन तो क्या हुआ, एसेट की कॉस्ट से ही चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है। दोबारा सुनो, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो होता है जो एसेट की कॉस्ट पर से चार्ज हो जाता है, प्रॉफिट से चार्ज नहीं हो पाता है। यहां पर ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, क्यों? ये तो एसेट की कॉस्ट पर से ही चार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहां पर क्या माना जाएगा, डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माना जाएगा, ठीक है। तो इसका एसएससी इसको ना तो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, ना नेक्स्ट ईयर में इसका सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये यूडी
अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर 20% पूरा हो गया क्या? यस, ये एसेट खरीदी कब गई थी? जून 20 को, तो फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% की रेट से मिलेगा। हाँ, अगर ये एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज होती तो 10% इस साल मिलता। तो यहां आप 20 के बजाय, यहां आप 20 के बजाय 10% क्लेम करते और बैलेंस 10% आपको इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में अलाउ हो जाता, ठीक है। वो कब? जब 180 डेज का रूल ने बीच में अड़चन डाली हो आपको, जिसकी वजह से वो एसेट इस साल एक्वायरी और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज अगर हुई होती तो इस साल आप 10% लेते और इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में बैलेंस 10% लेते, ठीक है। वो कब होता है? जब 180 डेज का रूल, 180 डेज का रूल फुल डेप्रिसिएशन 20% क्लेम करने से रोकता है। उसने रोका नहीं तो पूरा का पूरा 20% डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसेसी माना जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई निल, क्योंकि हमारी WDV ही निल थी, उसमें से नॉर्मल डेप्रिसिएशन निल लेस हुआ और एडिशनल डेप्रिसिएशन डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसेसी माना जाएगा और क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक हो जाएगी निल, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो नेगेटिव आई थी WDV, ऊपर जो WDV नेगेटिव आई थी 1,25,000, वही तो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,25,000। उसके लिए क्या किया जाए? कैपिटल गेन के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को लिखा जाए। अच्छा, कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या है कि पहले एसेट का सेल कंसीडरेशन लिखो 5,20,000, फिर उसकी कॉस्ट लिखो, और डेप्रिशिएबल एसेट के केस में जब हम WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ब्लॉक बनता है। अब एसेट तो एक ही सेल आउट हुई है, प्लांट भी, लेकिन पूरे के पूरे ब्लॉक की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखी जाती है, पूरे के पूरे ब्लॉक की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखी जाती है। और इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक क्या थी? 50,000। और करंट ईयर एडिशन क्या हुआ? करंट ईयर ब्लॉक में एडिशन कितना हुआ? 3,45,000। तो ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक आपका हुआ 50,000 और करंट ईयर एडिशन ब्लॉक में कितना हुआ? 3,45,000। तो इसकी COA हो जाएगी 3,95,000। तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया आपको 1,25,000। आपको बताया कि सेक्शन 50 जब अप्लीकेबल होता है, जब सेक्शन 50 अप्लीकेबल होता है तो शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन का नेचर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाता है। ये डीमिंग प्रोविजन है, हम एसेट का होल्डिंग पीरियड देखते ही नहीं है, ठीक है। ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब एक बात समझना, ये 2,00,000 जो रिसीव कर लिया था, रिसीव की बात चल रही है, 2,00,000 रिसीव कर लिया था एसेट का सेल कंसीडरेशन, इसका WDV पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। हमने सेल कंसीडरेशन के तौर पर पूरा का पूरा 5,20,000 लेस किया, इस 2,00,000 कैश रिसिप्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, WDV पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इस 2,00,000 की रिसिप्ट को लेकर एक दूसरा सेक्शन अप्लीकेबल हो जाता है। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना रखा है 269ST। उस सेक्शन में गवर्नमेंट ने बोल रखा है किसी भी ट्रांजेक्शन का, किसी भी इवेंट का आपको एक सिंगल डे, एक सिंगल पार्टी से पैसा रिसीव होता है 2,00,000 और मोर देन 2,00,000 तो आप रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बगैर अकाउंट पे चेक, DD प्रेस्क्राइब मोड से अगर करते हो तो नहीं कर सकते। तो यहां आपने कैश में रिसीव कर दिया, तो आपने इस केस में सेक्शन 269ST का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। तो 269ST का अगर कॉन्ट्रावेंशन कर देते हो तो सेक्शन 271DA में पेनल्टी लगती है, सेक्शन 271DA में पेनल्टी लगती है, कितना? 100% ऑफ रिसिप्ट। तो 2,00,000 रिसीव किया, 2,00,000 जितनी पेनल्टी लग जाएगी। इसका कमेंट मैंने नीचे दे रखा है,
एसएससी ने ये दो लाख कैश में रिसीव किया है प्लांट बी की सेल का, ये कॉन्ट्रावेंशन है ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269ST और इसकी पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271DA में, कितना रिसिप्ट का 100%। ठीक है, हालांकि इस कैश रिसिप्ट का WDV कंप्यूट करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हमने बात की एक्चुअल कॉस्ट की। एक्चुअल कॉस्ट के बाद अब हम बात करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन की, पेज नंबर 18। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, कुछ सिचुएशन में एसएससी को फुल ईयर का डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगा। डेप्रिसिएशन कुछ केसेस में एसएससी को प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगा। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें एसएससी को डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगा? वो सिचुएशंस टोटल 7 सिचुएशंस में एसएससी को प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। पहला केस है सक्सेशन ऑफ बिजनेस। सक्सेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, पहले मिस्टर ए का बिजनेस था, वो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के बिजनेस को सक्सीड कर लिया, टेक ओवर कर लिया, अब इस बिजनेस का ओनर मिस्टर बी है। ठीक है, मान लो टेक ओवर किया मिस्टर ए का बिजनेस मिस्टर बी ने 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, मिड ऑफ द ईयर में। तो इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा ना तो ए को मिलेगा ना बी को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। ठीक है, कैसे प्रोपोर्शन करेंगे वो आगे चल के हम समझेंगे, बट दोनों को मिलेगा, फुल ईयर का दोनों क्लेम नहीं कर सकते, दोनों को प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। तो ये कब होता है, जब सक्सेशन ऑफ बिजनेस होता है, पूरा का पूरा मिस्टर ए का बिजनेस मिस्टर बी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट सक्सेशन ऑफ एसेट पे नहीं लगता है, सिर्फ एक एसेट ली तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा। कब अप्लीकेबल होगा, सक्सेशन ऑफ एसेट ना हो, सक्सेशन ऑफ बिजनेस हो। ठीक है, फिर दूसरा केस, अगर एक पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो गया कंपनी में, या एक पार्टनरशिप फर्म को सक्सीड कर लिया एक कंपनी ने, सेक्शन 47 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म की ऑल एसेट्स लायबिलिटीज कंपनी ने ले ली, उस पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स उस कंपनी में शेयर होल्डर बन गए, ये सेक्शन 47 आता है आपके कैपिटल गेन हेड में, तो वहां की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो गया, या एक पार्टनरशिप फर्म को सक्सीड कर लिया एक कंपनी ने, या एक प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन हो गया LLP में, तब भी सेक्शन 47 लगता है। सेक्शन 47 की यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है, देखिए जब जैसे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म ने अपनी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज कंपनी को ट्रांसफर की होगी, तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को जो कैपिटल गेन हुआ वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 47 बोलता है ट्रांसफर एक्सक्लूड, इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो जो कैपिटल गेन हुआ वो टैक्सेबल नहीं होगा। जो ट्रांसफरर है, इस केस में पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफरर है, उसने कंपनी को अपनी सारी एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, तो जो कैपिटल गेन हुआ वो टैक्सेबल नहीं होता है ड्यू टू सेक्शन 47। कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 47 है, उसका टाइटल क्या है, ट्रांसफर एक्सक्लूड्स। जब कन्वर्जन हो, सक्सेशन हो एक पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में, और पार्टनरशिप फर्म कंपनी को अपनी एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर करे, तो इस ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफरर पार्टनरशिप फर्म को जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब बातें कैपिटल गेन हेड के सेक्शन 47 की। फिर पॉइंट नंबर 4,
एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का कंपनी में कन्वर्जन हो गया, या इस सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को कोई कंपनी ने सक्सीड कर लिया, टेक ओवर कर लिया, यहां पर भी सेक्शन 47 की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या अमलगमेशन हो कंपनीज का, अमलगमेशन हो कंपनीज का, जैसे ए लिमिटेड को एब्सॉर्ब कर दिया बी लिमिटेड ने, ठीक है। अब एक बात समझना, आप समझते हो अमलगमेशन का मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों मिल गई, ए बी लिमिटेड बन गई, ये तो हुआ अमलगमेशन अकाउंट्स के हिसाब से। अकाउंट्स में आप जो एब्सॉर्प्शन का मीनिंग समझते हो कि ए लिमिटेड को एब्सॉर्ब कर लिया बी लिमिटेड ने, वो एब्सॉर्प्शन को भी इनकम टैक्स में एक ही वर्ड यूज करते हैं, अमलगमेशन। तो अमलगमेशन वर्ड का मीनिंग यहां पर क्या है, अमलगमेशन इंक्लूड्स अमलगमेशन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन, ठीक है, उसको इनकम टैक्स में अमलगमेशन ही बोलते। तो ए लिमिटेड ने अपनी एसेट ट्रांसफर की बी लिमिटेड को, ठीक है, तो दोनों को प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह चल रही है कि ए लिमिटेड उसको बोलो आप प्रीडिसेसर, बी लिमिटेड उसको बोलो आप सक्सेसर, तो डेप्रिसिएशन प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों को अलग होगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। जैसे मैंने पहला केस बोला था, मिस्टर ए ने अपनी बिजनेस ट्रांसफर कर दिया बी को, बी ने मिस्टर ए का बिजनेस सक्सीड कर लिया, तो यहां पर प्रीडिसेसर कौन है, मिस्टर ए, सक्सेसर कौन है, मिस्टर बी, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों को डेप्रिसिएशन अलग होगा प्रोपोर्शनेटली। डी मर्जर के केस में भी प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अच्छा, डी मर्जर होता क्या है, जैसे देखिए डी मर्जर बताता हूं क्या होता है। एक एक्स लिमिटेड है, उसके चार डिवीजन है, ए उसके चार डिवीजन है, ए बी सी डी। अब ये चार डिवीजन जो है ना, अगर एक्स लिमिटेड करे कि ए डिवीजन को अलग करके ए लिमिटेड बना देते हैं, बी डिवीजन को अलग करके बी लिमिटेड बना देते हैं, ठीक है, सी डिवीजन को अलग करके सी लिमिटेड बना देते हैं, और डी डिवीजन को अलग करके डी लिमिटेड बना देते हैं, तो ये हुआ हमारा टोटल डी मर्जर टोटल। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डी डिवीजन को अलग करके डी लिमिटेड बनाई जाए तो ये हुआ पार्शल डी मर्जर। तो डी मर्जर दो टाइप का हो सकता है, टोटल डी मर्जर और पार्शल डी मर्जर। अच्छा, इस केस में पुरानी वाली कंपनी को क्या बोलते हैं, डी मर्ज्ड कंपनी। डी पुरानी वाली कंपनी को बोलते हैं डी मर्ज्ड कंपनी, ठीक है। और जो नई कंपनी क्रिएट हुई, जो नई कंपनी क्रिएट हुई उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी, उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी दोनों को प्रोपोर्शनेटली अलग होगा, जो डी डिवीजन की एसेट डी लिमिटेड को ट्रांसफर हुई है उन एसेट्स पर, डीमर्ज कंपनी एक्स लिमिटेड और रिजल्टिंग कंपनी डी लिमिटेड दोनों को प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर अगर कोऑपरेटिव बैंक्स का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 44DB ये आगे चलकर आएगा। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, वैसे अमलगमेशन और डी मर्जर ही होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का अमलगमेशन और डी मर्जर, ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन सात केसेस में प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों को प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कैसे होगा, जितना दोनों को अलाउ होना है, प्रीडिसेसर सक्सेसर दोनों का एग्रीगेट डेप्रिसिएशन एक साथ ही कंप्यूट कर लेंगे हम, तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड इग्नोरिंग चेंज इन ओनरशिप।
ऑनरशिप चेंज हुई है, इस बात को इग्नोर करते हुए डेप्रिसिएशन एक बार तो कंप्यूट कर लेंगे, और जो कंप्यूट किया है उसको अपोर्शन कर देंगे, ट्रांसफर है ट्रांसफरी मतलब प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। तो टाइम रेशियो, यहां टाइम रेशियो नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी यहां पर कि ए लिमिटेड का अमलगमेशन हो गया, ए लिमिटेड का अमलगमेशन हो गया बी लिमिटेड के साथ, मतलब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर दिया मान लो 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। तो अब आप यू मत बोलना कि पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन ए लिमिटेड को मिलेगा, बाकी के 9 महीने का डेप्रिसिएशन बी लिमिटेड को मिलेगा, ठीक है। आप बोल दोगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो फिर दोनों को टाइम रेशियो में बांट दो, टाइम रेशियो नहीं बोला है। पहली बात ध्यान रखो, टाइम रेशियो नहीं मिला है, बोला है तो टाइम रेशियो नहीं बोला है, क्या बोला, क्या है बोला है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज बोला है, एक पॉइंट ये। तो डेज में कैलकुलेशन करनी होगी ना कि मंथ में। तो अगर सपोज अमलगमेशन 1 जुलाई को हुआ है तो ये एसेट ए लिमिटेड के पास कितने टाइम थी, अप्रैल, ए लिमिटेड के पास एसेट थी अप्रैल मई के 31 दिन और जून, ठीक है। तो ए लिमिटेड के पास ये एसेट 91 डेज थी, 91 डेज, ठीक है। और बी लिमिटेड के पास 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो 365 डेज पूरे साल के दिन, इसमें से 91 डेज लेस कर दें, 274 डेज का डेप्रिसिएशन बी लिमिटेड को मिलेगा। तो पहले तो क्या करेंगे आप, इग्नोरिंग चेंज इन ऑनरशिप पूरे साल का डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, फिर इस डेप्रिसिएशन को दोनों में बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज में बांटना है, मंथ में नहीं बांटना है, टाइम रेशियो भी नहीं बोला है, नंबर ऑफ डेज बोला है, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा एक खास बात और समझना, नंबर ऑफ डेज के आगे एक पॉइंट और लिखा है, फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम, यूज्ड बाय देम। तो सपोज बी लिमिटेड को ये एसेट मिली कब थी, 1 जुलाई 2022 को मिली थी, लेकिन बी लिमिटेड ने इस एसेट को पुट टू यूज 1 जनवरी 2023 को किया, 1 जनवरी 2023 को किया, तो जनवरी के 31 दिन प्लस फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन, तो फिर रेशियो चेंज हो जाएगा, यहां 274 डेज नहीं आएंगे बी लिमिटेड के लिए, कितने आएंगे, 31 प्लस 28 प्लस 31। तो उस सिचुएशन में बी लिमिटेड को 90 डेज का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब आप बोलोगे तो बाकी के दिनों का डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कारण हम पहले फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो अलाउ तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, बट अलोकेशन रेशियो बदल जाएगा। अलोकेशन रेशियो पहले क्या था, दोनों में पहले अलोकेशन रेशियो 91:274 डेज था, बस अब अलोकेशन रेशियो चेंज हो जाएगा, दोनों में अब अलोकेशन रेशियो 91 डेज और 90 डेज का रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन जो बांटा जाएगा वो तो फुल ईयर का ही बांटा जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थी प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन को लेकर बात, अब करते इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 13, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास 2 प्लांट है, प्लांट ए और बी, ब्लॉक बना दिया और उस ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2022 कितनी है, 30,000। तो ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू लिख दो, ए और बी है इसके इस ब्लॉक के अंदर और ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू 30,000। इस साल प्लांट सी परचेस किया गया 20,000 का और इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्वालिफाई नहीं करता एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। तो इसको ब्लॉक में ऐड तो करो, प्लांट सी ऐड हो जाएगा ब्लॉक में, एडिशन टू द ब्लॉक 20,000, ठीक है। फिर इस ब्लॉक से बिका कुछ नहीं है, सेल निल, WDV आ गई। अब WDV के अंदर, ब्लॉक के अंदर 3 एसेट है, ABC 3 एसेट है,
ठीक है, और WDV है 50,000। तो ऑनरशिप चेंज हुई है, अब समझते आगे ऑनरशिप चेंज हुई है कि नहीं। देखिए आगे बोला है द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू एबीसी लिमिटेड। तो ये पार्टनरशिप फर्म थी पहले, अब कंपनी में कन्वर्ट हो गई। कब से कंपनी में कन्वर्ट हुई है? 26 जून 2022 को, ठीक है। और सेक्शन 47 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अभी ऐसे 26 जून 2022 को कंपनी की हो गई, लेकिन कंपनी ने इस एसेट को पुट टू यूज लेट किया। कब किया? 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो पहले क्या करें? पहले तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले, इग्नोरिंग चेंज इन ओनरशिप। तो 50,000 पे आप डेप्रिसिएशन फुल ईयर का कैलकुलेट कर रहे, कर ले 15% का ब्लॉक है 50,000 पर, 7,500 पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। WDV आ गई 42,500, ब्लॉक में तीनों एसेट पड़ी है। फिर अब ये जो डेप्रिसिएशन आया था 7,500, ये आपको अलोकेट करना है, ठीक है। अलोकेशन किस रेशियो में करेंगे? पार्टनरशिप फर्म प्रेडिसेसर, पार्टनरशिप फर्म प्रेडिसेसर और सक्सेसर कंपनी, दोनों में डेप्रिसिएशन बांटा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसके दिन कहां से शुरू होंगे? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 25 जून 2022 तक। रीजन 26 जून 2022 से तो वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट लो 26 जून 2022 को कंपनी में कन्वर्जन हुआ, तो 25 जून तक के दिन पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है। अब समझना खास बात, ये एसेट कंपनी की हो गई थी, हालांकि 26 जून 2022 को, 26 जून 2022 को हो गई थी। तो अब आप सोच रहे होंगे 26 जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का डेप्रिसिएशन दिन निकालेंगे, बांटेंगे, बट नो, लैंग्वेज क्या थी? नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। तो यूज तो हुआ कब से था? शुरू 1 जुलाई 2021 से, तो 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से, तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च, यूज के दिन निकालने हैं, यूज के दिन। तो डेप्रिसिएशन पार्ट 7,500 कंप्यूट हुआ है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में बांटा जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के दिन 86 और कंपनी के यूज के दिन 90 डेज। जरूरी नहीं है आपकी टोटल 365 डेज बने, आपकी दोनों डेज की टोटल बनेगी 176। इस इंप्रेशन में मत रहना कि टोटल 365 डेज आना चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब तो ये हमने बात की थी प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन को लेकर। चलिए अब बात करते हैं, नोशनल कॉस्ट की। कुछ सिचुएशन में एसएससी को एक्चुअल कॉस्ट के बजाय नोशनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट इन जनरल तो क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। एक्चुअल कॉस्ट की बात हमने पढ़ ली थी, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। अब हम बात कर रहे हैं कुछ सिचुएशन में एसएससी को एक्चुअल कॉस्ट के बजाय नोशनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 और नोशनल कॉस्ट है एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, ठीक। अब तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं नोशनल कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए कि एक्चुअल कॉस्ट के बजाय कुछ केसेस में एसएससी को नोशनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एसएससी ने कोई एसेट यूज की रिसर्च के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए। देखिए हम पढ़ेंगे आगे चलकर रिसर्च का सेक्शन 35, फैमिली प्लानिंग का सेक्शन पीजीबीपी हेड में आएगा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस हैं, एसएससी ने रिसर्च के लिए एसेट खरीदी,
फैमिली प्लानिंग के लिए एसेट खरीदी, रिसर्च का डिडक्शन सेक्शन 35 में मिलता है, फैमिली प्लानिंग का सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में मिलता है, कितना 100% मिलता है। तो एसएससी ने तो एसेट खरीदी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन इन रेस्पेक्टिव सेक्शंस में मिल जाता है। तो बताइए, जब एसएससी ने रिसर्च के एसेट खरीदी उसको डिडक्शन सेक्शन 35 में पूरा का पूरा मिल गया। मान लो उसने 10 लाख की एसेट खरीदी थी, तो रिसर्च के लिए खरीदी थी, तो उसको डिडक्शन सेक्शन 35 में मिल गया उस एसेट की कॉस्ट का, तो उस एसेट की कॉस्ट का डिडक्शन एसएससी को सेक्शन 35 में मिल चुका है। क्या अब एसएससी को उस एसेट की कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाए क्या? अगर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे 10 लाख कॉस्ट पर, तो 10 लाख कॉस्ट का डबल डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या कहा जा रहा है कि एसएससी उस एसेट को यूज कर रहा है रिसर्च के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, और उसका डिडक्शन वो ऑलरेडी ले चुका है सेक्शन 35 या सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में। जैसे वो पहले मान लो उसने रिसर्च के लिए एसेट खरीदी 10 लाख की, 10 लाख का डिडक्शन उसने ले लिया सेक्शन 35 में। अब रिसर्च एक्टिविटी बंद हो गई, रिसर्च एक्टिविटी बंद होने पर एसएससी इस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करने लगा रिसर्च एक्टिविटी बंद होने पर। तो इस एसेट को वो अपने नॉर्मल बिजनेस, वो अपने नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगा। ठीक है, तो ये एसेट साइंटिफिक, ये एसेट रिसर्च वाली एसेट है या फैमिली प्लानिंग वाली एसेट है? तो अब डेप्रिसिएशन नोशनल कॉस्ट पे अलाउ होगा, ये एसेट को एसएससी नॉर्मल बिजनेस में लेकर आया है। अब एसएससी आर्ग्यू करेगा ये एसेट मेरे नॉर्मल बिजनेस में काम आ रही है, इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ करो। तो गवर्नमेंट बोलती है बिल्कुल अलाउ करेंगे आपको डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन अलाउ हम नोशनल कॉस्ट पे करेंगे। नोशनल कॉस्ट क्या होगी? इस एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट थी आपकी, एक्चुअल कॉस्ट थी 10 लाख, और 10 लाख का आप ऑलरेडी डिडक्शन सेक्शन 35 में ले चुके हो, तो 10 लाख माइनस 10 लाख इस एसेट की नोशनल कॉस्ट निल मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आंसर द फॉलोइंग कीपिंग इन माइंड द एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। 8 अप्रैल 2021 को मिस्टर ए ने इक्विपमेंट खरीदा 80,000 का साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और उसका डिडक्शन उसने ले लिया सेक्शन 35 में 100%। अब उसकी ये रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीट हो गई और उसने इस एसेट को यूज करना शुरू कर दिया अपने नॉर्मल बिजनेस में। कब से इस एसेट को अपने बिजनेस में यूज करना शुरू किया नॉर्मल बिजनेस में? 1 जनवरी 2023 से। तो जब वो इस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस में लेकर आएगा, जब वो इस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस में लेकर आएगा तो ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड करेगा, इस एसेट को नॉर्मल बिजनेस के ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड करेगा। किस कॉस्ट पे करेगा? नोशनल कॉस्ट पर करेगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी इस सिचुएशन में? कॉस्ट क्या मानी जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट 80,000 लेस वो ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका है सेक्शन 35 में। तो एक्चुअल कॉस्ट 80,000 डिडक्शन ले चुका है 80,000, तो नोशनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? निल फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो जब वो 1 जनवरी 2023 को इस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस के ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड कर रहा है, निल कॉस्ट पर करेगा। ठीक है, चलिए फिर एक्सप्लेनेशन, अगला एक्सप्लेनेशन करते हैं 1A। चलिए 1A तो बाद में करेंगे, 1A को अभी बाकी रखिए, पेंडिंग, बाद में करेंगे। फिर आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एसएससी को एसेट गिफ्ट में मिली या ड्यू टू इनहेरिटेंस मिली। ठीक है, तो गिफ्ट में मिली हुई एसेट के लिए एसएससी ने तो कोई कॉस्ट इनकर नहीं किए खुद ने, तो
खुद ने तो इस एसेट का कोई पैसा खर्च नहीं किया है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? यस, एसएससी के लिए बेनिफिशियल प्रोविजन है। प्रीवियस ओनर के हैंड्स में जो भी WDV है, प्रीवियस ओनर के हैंड्स में जो भी WDV है, उसको इस एसएससी के लिए क्या माना जाएगा? नोशनल कॉस्ट। जैसे मिस्टर ए ने एसेट अपने फ्रेंड मिस्टर बी को गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने एसेट खरीदी थी, 1 लाख में खरीदी थी, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था 60,000। तो उसके हाथ में अब WDV रही थी इस एसेट की 40,000, ठीक है। तो मिस्टर बी को अब ये एसेट गिफ्ट में मिली है। मिस्टर बी इस गिफ्टेड एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए उसकी कॉस्ट नोशनल बेसिस पर ली जाएगी। कितनी? WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर 40,000, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, जब मिस्टर ए ने ये एसेट खरीदी थी उस पर डेप्रिसिएशन मिस्टर ए ने लगाया 60,000, अब WDV 40,000 रही, तो यहां हमने बोला प्रीवियस ओनर के हैंड्स में जो WDV रही है वो मिस्टर बी के लिए नोशनल कॉस्ट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब सपोज मिस्टर ए ने ये इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं था, 1 लाख की एसेट थी, मिस्टर ए ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं था, तो उस सिचुएशन में मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? अगर मिस्टर ए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता 60,000 करता, ठीक है, 60,000 करता, और WDV 40,000 रहती, लेकिन मिस्टर ए ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं, या हो सकता है उसके लिए वो एसेट बिजनेस में काम में ही नहीं लगा था। रीजन डेप्रिसिएशन तब अलग होता है जब एसएससी उस एसेट को बिजनेस में यूज कर रहा होता है, तो मिस्टर ए उस एसेट को बिजनेस में यूज कर ही नहीं रहा था। तो अब इस सिचुएशन में बी के लिए क्या होगा? क्या बी के लिए WDV इन हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर देखा जाएगा? उसे डेप्रिसिएशन 40,000 पर मिलेगा या 1 लाख पर मिलेगा? इस सिचुएशन में अगर प्रीवियस ओनर ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो मिस्टर बी को पूरे 1 लाख पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये मिस्टर ए जो है, मान लीजिए मुंबई का है, और मिस्टर बी जो है वो जोधपुर राजस्थान का है, ठीक है। तो ए ने बी को एसेट गिफ्ट में दी, मुंबई में ही दे दी थी गिफ्ट में। इस एसेट को मिस्टर बी जोधपुर लेकर आया अपने बिजनेस पर्पस के लिए। जब मिस्टर बी इस एसेट को जोधपुर लेकर आया अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो फ्रेट का खर्चा लगा और ट्रांजिट इंश्योरेंस कराना पड़ा इस एसेट का, और जब इस एसेट को जब तक पुट टू यूज करे तब तक इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी करना पड़ा। तो ये फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस क्या इस एसेट की नोशनल कॉस्ट में और एड ऑन हो जाएंगे क्या? हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल कंसेप्ट है, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती है, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं। तो इस सिचुएशन में यहां पर एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, सीबा ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया ये फ्रेट का खर्चा, ट्रांजिट इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस का खर्चा डोनी ने जो किया, डोनी मतलब जिसको गिफ्ट रिसीव हुआ है, डोनी मतलब जिसको गिफ्ट रिसीव हुआ है, उसने ये खर्चे इनकर किए एसेट पुट टू यूज होने से पहले, तो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट माने जाएंगे, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन वही कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 नोशनल कॉस्ट के लिए, क्वेश्चन का बी पार्ट। ऑन 10 अगस्त 2022 को मिस्टर बी को रिसीव हुआ कंप्यूटर मिस्टर जेड से, या तो गिफ्ट्स में या इनहेरिटेंस में,
ठीक है। तो मिस्टर बी इस गिफ्टेड एसेट पर या इनहेरिटेंस में मिली हुई एसेट पर डेप्रिसिएशन ले सकता है क्या? यस, अलाउ है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। ठीक है, प्रीवियस ओनर मिस्टर जेड है, उसने इस एसेट को परचेस किया था 13 अक्टूबर 2020 को किया 42,000 में और अपने बिजनेस में काम में लिया। अच्छा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट क्या होती है? 40%। ठीक है, प्रीवियस ओनर मिस्टर जेड ने इस एसेट को अपने बिजनेस में यूज किया होगा तो डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया होगा? 40% की रेट से। ठीक है, तो प्रीवियस ओनर के हैंड्स में WDV देखेंगे, प्रीवियस ओनर है मिस्टर जेड, तो उसके हैंड्स में, प्रीवियस ओनर के हैंड्स में क्या होगा? प्रीवियस ओनर बोलेगा कि 13 अक्टूबर 2020 को मैंने ये एसेट परचेस की 42,000 में, तो 2021 ईयर 2020-21 का डेप्रिसिएशन हाफ मिलेगा। रीजन, एसेट जब खरीदी ही है हमने 13 अक्टूबर 2020 को, तो ये इस साल पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो पाएगी, तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। कंप्यूटर पर एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट 40% है, 40 का हाफ 20%। ठीक है, तो हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 2020-21 में। ठीक है, फिर WDV आ गई, फिर इस पर नेक्स्ट ईयर 2021-22 का डेप्रिसिएशन, वो तो फुल अलाउ होगा, फुल अलाउ हो जाएगा WDV पर। फिर क्लोजिंग WDV आ गई, कब की? कब की? कब की? 31 मार्च 2022 की ये आ गई। ठीक है, ईयर एंड की निकालते हैं, मिड ऑफ द ईयर में हम WDV कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा ईयर एंड का ही कंसेप्ट है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एसेट इसको मिली कब है? अभी इस साल मिड ऑफ द ईयर में मिली है, 10 अगस्त 2020 को। तो क्या 10 अगस्त 2020 तक का डेप्रिसिएशन निकाले? नो, इनकम टैक्स में ऑलवेज डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे ही निकाला जाता है, मिड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाने का कंसेप्ट ही नहीं है, चाहे SLA मेथड हो चाहे WDV मेथड हो। ठीक है, अकाउंट्स में होता होगा बट इनकम टैक्स में नहीं है। तो ईयर एंड हो गया पिछला 31 मार्च 2022 को, WDV बच गई 20,160। तो एज ऑन जिस डेट को ये गिफ्ट मिला मिस्टर बी को, 10 अगस्त 2022 को मिला, तो प्रीवियस ओनर के हेड्स में WDV क्या है? 20,160। ये मिस्टर बी के लिए कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट मानी जाएगी। मिस्टर बी को इस गिफ्टेड एसेट पर डेप्रिसिएशन मिलेगा नोशनल कॉस्ट 20,160 पर। अब एक बात समझना, अब इससे रिलेटेड मुद्दे कहीं और भी हैं। क्या है? जब मिस्टर बी को ये एसेट गिफ्ट में दी, ठीक है, गिफ्ट में दी, तो क्या मिस्टर जेड के लिए से ट्रांसफर मानेंगे? सेक्शन 47 कैपिटल गेन एक्ट का बोलता है गिफ्ट करना ट्रांसफर नहीं माना जाता है। तो मिस्टर जेड ने जब ये एसेट गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर की मिस्टर बी को, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, तो मिस्टर जेड को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये ट्रांसफर एग्जेम्प्ट है मिस्टर जेड के लिए। ठीक है, ये जेड ट्रांसफरर के लिए बात चल रही है, ट्रांसफरर के लिए। अब और ट्रांसफरी, और इधर ट्रांसफरी के लिए नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट लग रहा है, तो ट्रांसफरर के लिए ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। ट्रांसफरी के लिए नोशनल कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात और दे रखी है कि जिस दिन ये एसेट गिफ्ट दी गई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 28,000, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा गिफ्ट और इनहेरिटेंस में जिस पर्सन को एसेट मिलती है, रेसिपिएंट,
उस एसेट पे डेप्रिसिएशन ले सकता है, बेनिफिशियल प्रोविजन है। फिर समझते हैं सेकेंड हैंड एसेट का कंसेप्ट। सेकेंड हैंड एसेट का कंसेप्ट समझते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3। सेकेंड हैंड एसेट मतलब, चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। एसएससी है मिस्टर राम, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एसएससी है, उसको एक एसेट परचेज करनी है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। एसेट की कॉस्ट है 1 लाख। ये एसेट परचेज करने के लिए वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव मिस्टर श्याम के पास गया कि ये एसेट की शॉप है तुम्हारी, तुमसे एसेट परचेज करने आया हूं, ठीक है, 1 लाख की एसेट है। अब मिस्टर श्याम जो फ्रेंड है, रिलेटिव है मिस्टर ए का, वो बता रहा है कि न्यू एसेट, फ्रेश एसेट लेके क्या करोगे, 1 लाख की है, मतलब मैं तुमको सेकेंड हैंड एसेट भी दे सकता हूँ, मैं सेकेंड हैंड एसेट भी बेचता हूँ और फ्रेश एसेट भी बेचता हूँ, और तुम्हारे लिए तो सेकेंड हैंड एसेट से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर राम के दिमाग में एक प्लानिंग आई कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड या रिलेटिव मिस्टर श्याम से फ्रेश एसेट का बिल ले लेता हूँ 1 लाख का। फ्रेश एसेट 1 लाख का बिल ले लेता हूं, लेकिन एसेट मैं लूंगा सेकेंड हैंड, ठीक है, और वो सेकेंड हैंड एसेट मान लीजिए 60,000 में आती है। उस सेकेंड हैंड एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है 60,000, फ्रेश एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख। तो 1 लाख फ्रेश एसेट नहीं खरीद कर मिस्टर राम ने अपने फ्रेंड श्याम से सेकेंड हैंड एसेट खरीदी, पे करना था 60,000, लेकिन अपने फ्रेंड श्याम को बोला बिल दो फ्रेश एसेट का 1 लाख का, मैं तुमको 1 लाख का चेक से पेमेंट करूंगा और 40,000 इस एसेट है तो सेकेंड हैंड, 60,000 की है सेकेंड हैंड, तो डिफरेंस का 40,000 तो मुझे कैश रिटर्न कर देना 2 नंबर में, ठीक है। इस तरीके से डील हो गई मिस्टर राम और श्याम के बीच में। अब सवाल ये पैदा होता है, मिस्टर राम के पास इस एसेट का बिल है 1 लाख का, मिस्टर राम ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी पेमेंट कितना किया है चेक से, 1 लाख का। अब मिस्टर राम का कहना है मेरे को डेप्रिसिएशन 1 लाख पर, 1 लाख पर अलाउ कर दो, तो क्या 1 लाख पर मिल जाएगा डेप्रिसिएशन? ये एसेट तो सेकेंड हैंड है ना, तो सेकेंड हैंड एसेट के केस में क्या होगा, तो प्रोविजन क्या है, कोई ये अनदर पर्सन की यूज्ड एसेट है, एसएससी इस सेकेंड हैंड एसेट को अपने बिजनेस के लिए एक्वायर करता है, और एसेसिंग ऑफिसर का सेटिस्फाइड है इस बात से कि ये ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, कि इससे एसएससी की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। कैसे? एसएससी हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा किस पर, 1 लाख पर। एसएससी हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा 1 लाख पर, जबकि उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए 60,000 पर। तो 1 लाख पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तो ज्यादा क्लेम कर पाएगा, 60,000 पर क्लेम करना चाहिए, ऐसा एसेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन है। तो डेप्रिसिएशन किस पर अलाउ होगा, ये सेकेंड हैंड एसेट है, सेकेंड हैंड एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 60,000, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नोशनल कॉस्ट मानी जाएगी 60,000, ठीक है। तो सेकेंड हैंड एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, एक्विजिशन डेट के दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो नोशनल कॉस्ट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ अलाउइंग डेप्रिसिएशन। बट एसेसिंग ऑफिसर ऐसा करेगा, ऐसा करने के लिए उसे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जेसीआईटी की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। तो इस बात को ऐसे समझो, मिस्टर ए एसेट खरीद रहा है मिस्टर बी से, ये एसेट सेकेंड हैंड एसेट है, 60 फ्रेश एसेट 1 लाख की है, सेकेंड हैंड एसेट 60,000 की है, ठीक है, बिल भले ही 1 लाख का
ले लिया मिस्टर ए ने और पेमेंट भी भले ही ऑन रिकॉर्ड 1 लाख शो हो रहा है। डेप्रिसिएशन 60,000 पर ही अलाउ होगा सेकेंड हैंड एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू पर। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एसएससी की ही एसेट है वो इसको बिजनेस में यूज करता है। एसएससी की एसेट है, एसएससी इसको बिजनेस में यूज करता है और उस पर डेप्रिसिएशन लेता रहा है, ठीक है। एसएससी की एसेट है, एसएससी ने एक्वायर की, उस पर डेप्रिसिएशन ले लिया, उसके बाद उसने ये एसेट किसी अनदर पर्सन को बेच दी और फिर उसी से ही री एक्वायर कर ली, जिसको बेची उसी से ही री एक्विजिशन कर लिया। तो ये केस है री एक्विजिशन ऑफ एसेट का। इस केस में एसएससी को नोशनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलग होगा। तो नोशनल कॉस्ट यहां क्या मानी जाएगी एग्जांपल से समझते हैं। एसेट ए की है, ए ने खरीदी, ए ने ये एसेट खरीदी थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, या सपोज चलिए मान लेते 10 लाख, इस एसेट की कॉस्ट थी 10 लाख। उस एसेट पर इसने आज दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 6 लाख का। अब इस एसेट की WDV है 4 लाख, ठीक है। मिस्टर ए ने ये एसेट खरीदी थी 10 लाख में, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 6 लाख, WDV बची है 4 लाख। मिस्टर ए ने ये एसेट ट्रांसफर कर दी बी को, 4 लाख में ही ट्रांसफर की, 4 लाख में ही ट्रांसफर की, ताकि मिस्टर ए को कोई कैपिटल गेन ना हो। देखो ज्यादा पे करेगा तो, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पे कर दिया ट्रांसफर बी को, तो 6 लाख का कैपिटल गेन हो जाएगा ना, ठीक है। या 8 लाख पे ट्रांसफर किया तो 4 लाख का कैपिटल गेन हो जाएगा। तो मिस्टर ए सेम वैल्यू पर ट्रांसफर कर रहा है बी को, ताकि मिस्टर ए को इस ट्रांसफर पर कोई कैपिटल गेन हो ही नहीं, ठीक है। अब सेम एसएससी, सेम मिस्टर बी से उसने ये एसेट री एक्वायर कर ली, कितने में? 20 लाख में। 20 लाख में मिस्टर बी से मिस्टर ए ने ये एसेट री एक्वायर कर ली, ठीक है। तो अब इस केस में मिस्टर बी को कैपिटल गेन हुआ होगा, मिस्टर बी को कैपिटल गेन हुआ होगा कितना? 16 लाख का मिस्टर बी को हुआ होगा कैपिटल गेन। कोई बात नहीं, मिस्टर बी का कहना है चिंता की बात नहीं है, मेरे को कैपिटल गेन हो गया 16 लाख का, कोई बात नहीं, मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस पड़ा है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस मैं अभी जो 16 लाख का मेरे को कैपिटल गेन होगा उसे सेट ऑफ करा लूंगा, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल गेन होता भी है तो, ठीक है। तो मिस्टर ए को तो फायदा हो गया कि ये एसेट मिस्टर ए के पास दोबारा आ गई 20,000 में। मिस्टर ए ने शो किया कि मेरी री एक्विजिशन, मेरी इस एसेट की री एक्विजिशन कॉस्ट है 20 लाख, मेरे को डेप्रिसिएशन 20 लाख पे दे दो। अब इस एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कर रहे हैं हम री एक्विजिशन ऑफ एसेट। इस केस में नोशनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन अलाउ होगा और नोशनल कॉस्ट क्या बताई जा रही है? WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, जब ओरिजिनल ट्रांसफर हुआ ए टू बी, तो WDV जो ए के हैंड्स में थी वो, और री एक्विजिशन की कॉस्ट, दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस हो, तो दोनों में से विच एवर इज लेस क्या है? 4 लाख। तो मिस्टर ए को डेप्रिसिएशन 4 लाख पर ही मिलेगा, 20 लाख पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। ओरिजिनल ट्रांसफर को हाईलाइट करो, ओरिजिनल ट्रांसफर के वक्त WDV 4 लाख थी,
और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिएक्विजिशन 20 लाख, विच इज लेस। अब मिस्टर ए को डेप्रिसिएशन 20 लाख के बजाय 4 लाख पर ही अलाउ होगा। अब एक बात समझते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट बोली है, ओरिजिनल कॉस्ट बोली है, तो इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये एसेट ट्रांसफर की थी 4 लाख में, फिर मिस्टर बी ने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया था सी को 10 लाख में, फिर सी ने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया था डी को कितने में, 25 लाख में, या सपोज चलिए मान लेते हैं 20 लाख में ही। और अब ये एसेट ए को दोबारा आई है बी से नहीं डी से, तो डी से उसने ये एसेट एक्वायर की ए ने, तो क्या तब भी ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 अप्लीकेबल होगा? यस, अप्लीकेबल होगा। मतलब चेन ट्रांसफर, इसको हम बोल सकते हैं चेन ट्रांसफर, ए टू बी, बी टू सी, बी सी टू डी, ये हो गया चेन ट्रांसफर। तो रीएक्विजिशन कॉस्ट वाला ये पॉइंट चेन ट्रांसफर के केस में भी अप्लीकेबल होगा। रीजन, ओरिजिनल कॉस्ट के वक्त WDV 4 लाख और री एक्विजिशन की कॉस्ट 20 लाख, तो 4 लाख और 20 लाख विच इज लेस, 4 लाख पर ही अलाउ होगा मिस्टर ए को डेप्रिसिएशन। बात समझ आ गई। चलिए अब ये हमने समझा री एक्विजिशन ऑफ एसेट। यहां पर एसेट ओरिजिनली किसकी है? ए की है, एक ही थी ओरिजिनली, उसने ट्रांसफर की, वापस रीएक्वायर कर ली, ठीक है, ये मामला था। अब एक्सप्लेनेशन नंबर फोर ए क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन नंबर फोर ए में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इंटर लेवल पे भी पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ढंग से समझना इसको। मामला क्या है? इस एक्सप्लेनेशन नंबर 4A का टाइटल है सेल कम लीज बैक ट्रांजेक्शन, सेल कम लीज बैक ट्रांजेक्शन। चलिए इसको मैं लिख के बताता हूं। देखिए ए और बी दो पार्टीज हैं और अब की एसेट बी की है। बी ने इस एसेट को मान लीजिए 10 लाख में खरीदा है और इस एसेट पे अब तक मिस्टर बी डेप्रिसिएशन लगा चुका है 6 लाख और बी के हैंड्स में WDV रही है 4 लाख इस एसेट की, ठीक है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आए और बोले कि ये एसेट आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, ये एसेट आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, कारण मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस पड़ा है, ठीक है, आप ये एसेट मेरे को ट्रांसफर कर दो, 4 लाख की है, मेरे को 20 लाख में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये एक मिनट, यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस मिस्टर बी के पास पड़ा है, बी के पास है, तो बी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस पड़ा है कितना, मान लो 16 लाख, ठीक है। तो अभी जब मिस्टर बी जब एसेट WDV 4 लाख वाली एसेट मिस्टर ए को ट्रांसफर करेंगे 20 लाख पर, तो मिस्टर बी को कैपिटल गेन हो जाएगा 16 लाख का, मिस्टर बी को कैपिटल गेन हो जाएगा 16 लाख का। मिस्टर बी का कहना है चिंता की बात नहीं है, मेरे पास पहले से कैपिटल लॉस पड़ा है 16 लाख का, वो कैपिटल लॉस मैं इस कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा लूंगा, ठीक है। बट बी को तो कोई दिक्कत नहीं है, बी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पड़ा था,
अभी बी को जो कैपिटल गेन होगा, बी अपने ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस को इस साल जो कैपिटल गेन होगा उससे सेट ऑफ करा लेगा। तो बी को तो दिक्कत नहीं है। बी को एक दिक्कत और नहीं है, क्या? अभी एसेट मिस्टर बी के काम आ रही थी, तो मिस्टर बी अपने पीएनएल अकाउंट में इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता था। अब ये एसेट मिस्टर ए के पास हो गई है, ठीक है, ए के पास आ गई है, ए इस एसेट का ऑनर है। लेकिन मिस्टर बी का कहना है कि ये एसेट मेरे बिजनेस में काम आनी है, मुझे वापस दे दो, लेकिन लीज पर, लीज पर। तो अब मिस्टर ए ने क्या किया, ये एसेट लीज पर दे दी मिस्टर बी को। तो बी ने तो क्या किया, मिस्टर बी ने तो एसेट सेल की, मिस्टर बी ने तो एसेट सेल की और ए ने बी को लीज बैक कर दिया, लीज बैक। तो ये हो गया सेल कम लीज बैक ट्रांजेक्शन। बी ने ए को सेल किया, ए ने बी को लीज बैक कर दिया। अब इस बात को इजी लैंग्वेज में बोलू, सेम सेलर को, मतलब जिस एसेट खरीदी है ना आपने, वो सेलर है आपके लिए, सेलर है। आपने ये एसेट जिससे खरीदी है वो सेलर है, आप बायर हो। आपने खरीदने के बाद उसी को लीज पे दे दी, ठीक है, आप लेसर हैं। तो हम बढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन लीज के केस में, चाहे फाइनेंशियल लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, डेप्रिसिएशन लेसर को मिलता है, ठीक है। तो ए तो क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन ले तो रहा है, अलाउ है, मना नहीं है उसको, डेप्रिसिएशन लेसर को ही मिलता है, लेकिन 20 लाख में मिल रहा है। दिक्कत वाली बात यहां है, दिक्कत वाली बात यहां है कि लेसर ए को ही डेप्रिसिएशन मिल रहा है, पर 20 लाख पे क्यों मिल रहा है? तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ऑनर, एक भले ही इस एसेट का लेसर है, उसने ये एसेट 20 लाख में एक्वायर किए, लेकिन सेम सेलर को लीज पर प्रोवाइड कर देना, तो सेम सेलर के हैंड्स में जो WDV थी वो मिस्टर ए के लिए डेप्रिसिएशन, मिस्टर ए को डेप्रिसिएशन 4 लाख पे अलाउ होगा, ना कि 20 लाख पर, ठीक है। अच्छा, बी के लिए एक बात बतानी रह गई, बी इस एसेट का लीज रेंट पे करेगा, बी को कोई दिक्कत नहीं है। बी के लिए एक दिक्कत ये नहीं थी कि उसके पास पहले से ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस पड़ा था, अभी ए को ट्रांसफर करेगा 20 लाख में, तो उसको 16 लाख का कैपिटल गेन हो जाएगा, वो उसे सेट ऑफ कर लेगा, वो उसे सेट ऑफ कर लेगा। पहली दिक्कत बी को ये है नहीं। दूसरी दिक्कत, पहले ही एसेट उसकी थी, वो डेप्रिसिएशन लेता था, कोई बात नहीं, अब उसके पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन की एंट्री हटकर लीज रेंट बुक होगा, ठीक है। तो बी को तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन से ए को फायदा हो रहा है, और ए डेप्रिसिएशन 4 लाख पर ले तो कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख पर ले रहा है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4A क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4A बोलता है, अगर, अब लैंग्वेज समझना, द एसएससी एक्वायर्ड एसेट फ्रॉम ए पर्सन हु वाज यूजिंग द सेम फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। बी उस एसेट को अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा था, ए ने उससे एक्वायर कर ली, ठीक है, और बी उस पे डेप्रिसिएशन भी ले रहा था, बी उस एसेट को अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा था, उस पे डेप्रिसिएशन भी ले रहा था बी। सब्सिक्वेंटली अब ए ने उससे एसेट क्या कर ली, एक्वायर, और सब्सिक्वेंटली सच एसेट वाज हायर्ड लीज्ड और अदरवाइज प्रोवाइडेड टू द सेम सेलर मिस्टर बी। सेम सेलर को ही मिस्टर ए ने लीज पर दे दी, ये कहलाता है सेल कम लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो इस केस में WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर, तो हमने जो एग्जांपल लिया मिस्टर बी के हैंड्स में WDV 4 लाख थी, तो मिस्टर ए को 4 लाख पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, ना कि 20 लाख पर, ठीक है। अब एक दिक्कत और है, एक दिक्कत और है,
अब आप बोलोगे ये सेकेंड हैंड एसेट का एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री अप्लीकेबल होगा क्या? ये सेल कम लीज बैक ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन नंबर है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4A। तो देखो इस केस में ये सेकेंड हैंड एसेट है क्या? मिस्टर बी की एसेट थी, ए ने ली, तो सेकेंड हैंड एसेट वाला भी पॉइंट लगेगा क्या? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं को एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और 4A दोनों आपस में क्लैश हो रहे। तो जब सेकेंड हैंड एसेट एक्वायर कर रहे हैं हम और लीज बैक दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये भी लग रहा है और 4A ये भी लग रहा है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में कौन सा एक्सप्लेनेशन प्रिवेल करेगा? मैटर ये है, तो समझना इस बात को, समझना इस बात को। यहां दे रखा है एक्सप्लेनेशन नंबर 4A ओवरराइड करेगा एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को। मतलब अगर कोई केस ऐसा हो जहां पर सेकेंड हैंड एसेट सेल कम लीज बैक ट्रांजेक्शन हुआ है, तो जैसा अभी मैंने केस बताया उसमें वो एसेट ए के लिए तो सेकेंड हैंड थी क्योंकि बी उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज कर रहा था, डेप्रिसिएशन ले रहा था, तो वो एसेट ए के लिए तो सेकेंड हैंड एसेट थी और सेकेंड हैंड एसेट पर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगता है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4A कब लगेगा? ये तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और 4A की टाई हो गई आपस में। तो जब भी ऐसा हो तो यहां क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने कि एक्सप्लेनेशन नंबर 4A का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, वो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को ओवरराइड करेगा। तो जब एक्सप्लेनेशन नंबर 4A लगेगा तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3A नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 5। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 5 को लेकर एक खास बात, अभी तक जितने भी एक्सप्लेनेशन पड़े वो सारी एसेट्स पे लग रहे थे। सब में क्या बोला, एसएससी यूज द एसेट, एसेट कोई भी हो। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में भी एसेट वर्ड यूज हुआ, एसेट कोई भी हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में भी एसेट वर्ड यूज हुआ, एसेट कोई भी हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 और 4A में भी वर्ड यूज हुआ एसेट, एसेट कोई भी हो। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में एसेट कोई भी नहीं बोला है, बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग। तो ए बिल्डिंग एसेट नहीं लिखा है, मतलब एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ऑल एसेट्स पे नहीं लगता, सिर्फ बिल्डिंग के लिए लगता है। विच वॉज प्रीवियसली यूज बाय एसएससी फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। एसएससी पहले मान लो उस एसेट, उस बिल्डिंग को अपने पर्सनल पर्पस के लिए काम में ले रहा था, उस बिल्डिंग को एसएससी मान लो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा था, पर्सनल पर्पस के लिए काम में ले रहा था। अब एसएससी उस एसेट को यूज करना शुरू कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिल्डिंग को वो पहले पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था, अब उसने इस बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। तो जब वो इस बिल्डिंग को पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था। रीजन, डेप्रिसिएशन तभी मिलता है जब वो एसेट बिल्डिंग यूज हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो पर्सनल पर्पस पहले यूज करता था इस बिल्डिंग का, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, ठीक है? अब इस बिल्डिंग को वो बिजनेस में यूज करने लगा तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। डेप्रिसिएशन किस पे मिलना चाहिए? तो डेप्रिसिएशन मिलेगा नोशनल कॉस्ट पर। नोशनल कॉस्ट क्या होगी समझिए, ढंग से समझिए। नोशनल कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट, मान लो उसने 5 साल पहले ये बिल्डिंग 60 लाख में खरीदी थी पर्सनल पर्पस के लिए, 5 साल पहले। अब 5 साल बाद इस एसेट को वो बिजनेस में काम में लेने लगा, ठीक है? तो बिजनेस में जब वो इस एसेट को लेकर आया तो क्या 60 लाख पर डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा क्या? 60 लाख पर अलग हो जाएगा क्या? गवर्नमेंट बोलती है नहीं, इसमें से आप डेप्रिसिएशन, पहले इस एसेट को पर्सनल पर्पस के लिए काम में लेता था तो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता था, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन
जब वो एसेट एक्वायर की गई तब से लेकर जब तक वो इस एसेट को पुट टू यूज कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, तब तक का डेप्रिसिएशन नोशनल बेसिस पर लेस कर दो। तो नोशनल डेप्रिसिएशन आप लेस करिए जो एक्विजिशन डेट से अलाउ होता, कब तक का? जब तक वो बिल्डिंग पुट टू यूज हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब एक दिक्कत और आएगी यहां पर, पहले वो इस एसेट को रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पर यूज करता था तो डेप्रिसिएशन मिलता नहीं था, अब बिजनेस बिल्डिंग हो गई उसकी एसेट तो बिजनेस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन के लिए 10% है, तो डेप्रिसिएशन 10% से अलग होगा। जिस दिन वो इस एसेट को पुट टू यूज बिजनेस यूज करता है उस दिन जो अप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट है उस बिजनेस बिल्डिंग के लिए, उससे डेप्रिसिएशन अलाउ होगा पूरे ऑल ईयर्स का, ऑल ईयर्स का। ठीक है, तो यहां क्या दे रखा है, नोशनल डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट कैसे करेंगे, एक ही सिंगल डेप्रिसिएशन रेट काम मिलेंगे। ठीक है, मैंने बोला पहले 5 साल तक वो उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था। मान लीजिए पहले कभी बिजनेस बिल्डिंग पर किसी ईयर में डेप्रिसिएशन रेट 7% रही, मान लो आज है बिजनेस बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन रेट, मान लो कभी 7% थी तो जिस ईयर में 7% थी उस ईयर में 7% से ही कंप्यूट करना है या ऑल ईयर्स का 10% से ही कंप्यूट करना है? तो गवर्नमेंट बोल रही है सिंगल डेप्रिसिएशन रेट ही काम में लेनी है, सिंगल डेप्रिसिएशन रेट ही काम में लेनी है। किस दिन वाली प्रिवेलिंग, जिस दिन वो बिल्डिंग पुट टू बिजनेस यूज हुई उस दिन जो बिजनेस बिल्डिंग पर प्रिवेलिंग डेप्रिसिएशन रेट है वो एक ही सिंगल डेप्रिसिएशन रेट काम में ली जाएगी ऑल पास्ट ईयर्स का डेप्रिसिएशन नोशनल बेसिस पर कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जब आपने पढ़ा ये बिल्डिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, बिल्डिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 11 भी इससे मिलता जुलता है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 11 समझते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 11 समझते हैं। कोई एसएससी है नॉन रेजिडेंट, एनआरआई है, उसने आउटसाइड इंडिया कोई एसेट एक्वायर की, फॉरेन में उसने एसेट एक्वायर की और वो इस एसेट को इंडिया लेकर आया और इंडिया में अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगा, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करने लगा, तो उसने ये एसेट फॉरेन में खरीदी थी, इंडिया लेकर आया तो क्या ये एक्सप्लेनेशन नंबर 11 किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लग सकता है क्या? क्या कोई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरेन में खरीद कर इंडिया ला सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन नंबर 11 इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग पे तो लग ही नहीं सकता, तो किस पे लगेगा? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगेगा। रीजन क्या बोला, लैंग्वेज बोली है कि उस एसेट को एसएससी ने फॉरेन में खरीदा, एक्वायर किया, फिर वो उस एसेट को इंडिया लेकर आया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को तो इंडिया में लेकर आ पाएगा ना, तो मूवेबल एसेट ही होगी, इमूवेबल को इंडिया में नहीं ला सकता। जैसे बिल्डिंग फॉरेन में खरीदी, फॉरेन में बिल्डिंग खरीदी उसको इंडिया तो ला नहीं सकता। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जहां बिल्डिंग मतलब इमूवेबल एसेट के लिए लगता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 11 मूवेबल एसेट के लिए लगता है। लेकिन तो इस पर तो एक्सप्लेनेशन नंबर 11 है क्या, एसएससी नॉन रेजिडेंट है, उसने फॉरेन में इस एसेट को खरीदा, फिर इस एसेट को वो इंडिया लेकर आया, इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करने लगा, तो इंडिया में वो इस एसेट को बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा है, इस एसेट पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहेगा तो नोशनल कॉस्ट पर अलाउ होगा। नोशनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन व्हिच वुड हैव बीन अलाउड हैड द एसेट बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस एक्विजिशन। शुरू से ही इस एसेट को अगर वो इंडिया में यूज करता तो जो डेप्रिसिएशन अलाउ होता, मतलब इस केस में भी नोशनल डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है। अब खास बात, डेप्रिसिएशन नोशनल बेसिस पर लेस करना है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक सिंगल डेप्रिसिएशन रेट ही काम आएगी क्या? वो उसने मान लो 5 साल पहले वो एसेट फॉरेन में खरीदी थी, ठीक है,
तो बोल रहे हैं वो 5 साल का डेप्रिसिएशन लेस करो। तो एक ही सिंगल रेट से कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, या उन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो जो डेप्रिसिएशन रेट एप्लीकेबल थी उन डिफरेंट डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है उन ऑल पास्ट ईयर्स का। तो यहां पर बोल रहे सिंगल डेप्रिसिएशन रेट काम नहीं आएगी। क्या काम आएगी? डेप्रिसिएशन रेट एज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो डेप्रिसिएशन रेट थी वो नोशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने में काम आएगी। तो बेटर रहेगा अगर हम एक चार्ट बना लें, हम डिफरेंशिएट करते एक्सप्लेनेशन नंबर 5 और एक्सप्लेनेशन नंबर 11 में डिफरेंस, पॉइंट आउट करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5 और एक्सप्लेनेशन नंबर 11 में डिफरेंस नोट डाउन करते हैं। एसएससी कौन हो? एसएससी कौन हो? ऑल एक्सप्लेनेशन नंबर 11 में नहीं, 5 में ऑल लिखा है और 11 में एसएससी मस्ट बी नॉन रेजिडेंट। एसेट क्या हो? एसेट क्या हो? एक्सप्लेनेशन नंबर 5 सिर्फ बिल्डिंग पर एप्लीकेबल है और एक्सप्लेनेशन नंबर 11 ऑल एसेट्स पे लगता है, बट वो ऑल एसेट्स क्या होनी चाहिए? मूवेबल। बिल्डिंग तो क्या होती है? इमूवेबल होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और डेप्रिसिएशन नोशनल बेसिस पर लेस होगा, तो जो जब वो नोशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेगा, जब वो नोशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेगा तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में तो क्या बोला है? सिंगल डेप्रिसिएशन रेट काम आएगी, सिंगल डेप्रिसिएशन रेट काम आएगी एज ऑन डेट ऑफ पुट टू यूज, पुट टू बिजनेस यूज या प्रोफेशन यूज, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 11 में क्या होगा? पास्ट ईयर्स का जो नोशनल डेप्रिसिएशन निकालना है वो डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट्स काम आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट्स एस एप्लीकेबल इन, एस एप्लीकेबल इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन नंबर 5 और एक्सप्लेनेशन नंबर 11 में। हालांकि दोनों में कॉमन पॉइंट था कि एक्चुअल कॉस्ट में से नोशनल डेप्रिसिएशन लेस किया जाए, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सी और डी। पार्ट सी, मिस्टर सी परचेज बिल्डिंग 24 अक्टूबर 2020 को, उसने 12 लाख में बिल्डिंग खरीदी, तब वो उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था या लेट आउट कर रखा था। सब्सिक्वेंटली 18/11/2022 को वो इस बिल्डिंग को यूज करने लगा बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा? 12 लाख एक्चुअल कॉस्ट है, इसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन लेस किया जाए, यहां पर आपके लग जाएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 5, ठीक है। और एज ऑन जिस दिन बिल्डिंग पुट टू यूज हो रही है उस दिन उस पर अप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट 10% है बिजनेस बिल्डिंग पर, तो डेप्रिसिएशन 10% की रेट से कंप्यूट किया जाएगा, सिंगल डेप्रिसिएशन रेट ही काम आएगी नोशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूट करते हैं, देखिए बिल्डिंग परचेस कब हुई? 24 अक्टूबर 2020 को 12 लाख में, ठीक है।
वैसे तो बिजनेस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन रेट 10% है, लेकिन ये एसेट खरीदी ही 24 अक्टूबर 2020 को है, तो ये इस साल पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो पाएगी। तो लेस देन 180 डेज हो पाएगी तो 10% का हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा 5%। तो 5% डेप्रिसिएशन 2021 में अलग होगा, ठीक है। फिर 21-22 का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, WDV भी आ जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2022 की। और इस बिल्डिंग की नोशनल कॉस्ट, वो इस बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करना शुरू कर रहा है 18/11/2022 को, तो इस बिल्डिंग की नोशनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 10,26,000 इस बिल्डिंग की नोशनल कॉस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर डी, व्हाट विल हैपन अगर सिचुएशन नंबर सी में बिल्डिंग के बजाय कार हो, तो बिल्डिंग के बजाय कार हो तो क्या होगा? एक्सप्लेनेशन नंबर 5 अप्लीकेबल ही नहीं होगा, नोशनल बेसिस पर डेप्रिसिएशन लेस ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 5 सिर्फ बिल्डिंग पर अप्लीकेबल है। तो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन नोशनल बेस पर लेस होगा ही नहीं, तो पूरा 12 लाख नोशनल कॉस्ट माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में पूरा 12 लाख नोशनल कॉस्ट माना जाएगा, ठीक है। रीजन, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 सिर्फ बिल्डिंग पर लगता है, अदर एसेट्स पर नहीं, तो कार पे नहीं लगेगा। तो कार के लिए आप डेप्रिसिएशन नोशनल बेस पर लेस नहीं करोगे। फिर पॉइंट नंबर, चलिए अब आते हैं हम नोशनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें और आगे बात करते हैं। नोशनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें आगे बात करते हैं। वेयर ए कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। क्या बोल रहे? 100% होल्डिंग कंपनी है, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है, और वाइस वर्सा, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एसेट ट्रांसफर करे या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे। होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, और जो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो ये तो ट्रांसफर है, ट्रांसफरी जो भी हो, एज द केस में भी जो भी ट्रांसफरी है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी हो, और ट्रांसफरी कंपनी एज द केस में भी ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में, मान चलिए एग्जांपल लेते हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी को एसेट ट्रांसफर की, सब्सिडरी को एसेट मिली, सब्सिडरी इस एसेट को अपने बिजनेस में यूज करेगी, डेप्रिसिएशन लेना चाहेगी, यस, तो सब्सिडरी कंपनी को डेप्रिसिएशन नोशनल कॉस्ट पर अलाउ होगा। नोशनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर, ट्रांसफरर कंपनी के हैंड्स में जो WDV थी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट एप्लीकेबल कब होगा? जब होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी हो प्लस ट्रांसफरर कंपनी इंडियन कंपनी हो, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 47 भी दे रखा होता है, वहां पे भी बोला है जो ट्रांसफर करेगा एसेट ट्रांसफर करने पर ट्रांसफरर को कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 47, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एसेट ट्रांसफर करे, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे, होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी हो और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रांसफरर को जो कैपिटल गेन होता है ट्रांसफर पर, वो ट्रांसफरर को टैक्सेबल नहीं होगा ड्यू टू सेक्शन 47, मतलब इस ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो भी चेक करना होता है, तो ट्रांसफरर के लिए ट्रांसफर नहीं है, उसको कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, इधर ट्रांसफरी के लिए डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट पर अलाउ होगा? नोशनल कॉस्ट पर अलाउ होगा,
ठीक है, बात समझ आई? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, ट्रांसफरर के लिए भी बात करनी है, ट्रांसफरी के लिए भी बात करनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है? एसेट का ब्लॉक बना रखा है, उसकी WDV 1 अप्रैल 2022 को, मतलब ये ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड के हैंड्स में 2 लाख। ये पूरा का पूरा ब्लॉक होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडियरी एस लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया 30/1/2023 को 10 लाख में, 10 लाख में ट्रांसफर किया। 2 लाख WDV का ब्लॉक 10 लाख में ट्रांसफर किया, 8 लाख डिफरेंस का कैपिटल गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन है। अब यहां पर दो केस हैं, यहां पर दो केस दे रखे हैं। अगर एस लिमिटेड फॉरेन कंपनी हो तो क्या होगा? एस लिमिटेड फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा? और केस नंबर 2 में बोला एस लिमिटेड इंडियन कंपनी है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी तो 100% होल्डिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी का इंडियन कंपनी होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन केस नंबर 1 में रखा है अगर एस लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी फॉरेन कंपनी हो तो क्या होगा? पहले केस नंबर 1 करते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 दोनों के एंगल से बात करेंगे, ट्रांसफरर होल्डिंग कंपनी के लिए और ट्रांसफरी सब्सिडरी के लिए, दोनों के एंगल से बात करेंगे। केस नंबर 1, अगर सब्सिडरी एस लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो ट्रांसफरर है उसको कैपिटल गेन से छूट नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफरर को सेक्शन 47 की वजह से कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कब होता है? जब होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी एस लिमिटेड इंडियन कंपनी हो, इस केस में फॉरेन कंपनी है, तो ट्रांसफरर को कैपिटल गेन 8 लाख का जो हुआ सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये इंपैक्ट आया ट्रांसफरर पर। तो 8 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होल्डिंग कंपनी को टैक्सेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर 22-23 में, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 में, ठीक है। कैपिटल गेन हो गया, WDV नेगेटिव आई, कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। और ब्लॉक कितने का रह गया? निल, सेल वैल्यू लेस की 10 लाख, 8 लाख से WDV नेगेटिव आ गई, जो WDV नेगेटिव आई 8 लाख से वही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जब WDV 8 लाख से नेगेटिव आई तो उसको निल रिपोर्ट करना होगा। निल किसके लिए? ट्रांसफरर होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड के लिए, ठीक है। ट्रांसफरर की बात कंप्लीट। अब बात करते हैं ट्रांसफरी एस लिमिटेड की बात करते हैं, उसके लिए नोशनल कॉस्ट क्या होगी? क्या WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर 2 लाख? नहीं। क्यों? WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर ये नोशनल कॉस्ट के तौर पर कब लिया जाता है? जब ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। यहां पर ट्रांसफरी कंपनी एस लिमिटेड है, वो फॉरेन कंपनी है, तो यहां पर नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं लगेगा। एस लिमिटेड ने इस एसेट का पैसा कितना पे किया? 10 लाख। एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस क्या है? 10 लाख। तो एस लिमिटेड को यहां पर एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस 10 लाख पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, एक्चुअल कॉस्ट है ये उसकी, ठीक है। लेकिन पार्ट सेकेंड, अगर एस लिमिटेड इंडियन कंपनी होती तो क्या होता? एस लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी अगर इंडियन कंपनी होती तो ट्रांसफरर को भी फायदा होता। ट्रांसफरर को क्या फायदा होता? अगर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता, ठीक है। तो पहले ट्रांसफरर एच लिमिटेड के एंगल से डिस्कस करते हैं। ट्रांसफरर कौन है? एच लिमिटेड, उसको कैपिटल गेन सेक्शन 47 एग्जेम्पशन हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख जो कैपिटल गेन हुआ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख जो हुआ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और WDV इन एसेट्स की क्या रह जाएगी? निल। एच लिमिटेड ट्रांसफरर की बात चल रही है,
अब ट्रांसफरी की बात करते हैं। एस लिमिटेड के लिए नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट लग जाएगा क्या? यस। एस लिमिटेड ने भले ही इस एसेट का पैसा पे किया 10 लाख, लेकिन यहां पर नोशनल कॉस्ट पर एस लिमिटेड को डेप्रिसिएशन मिलेगा। किस पर? WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर। एच लिमिटेड के हाथ में WDV क्या थी? 2 लाख। अब एस लिमिटेड ने इस एसेट का भले ही 10 लाख पे किया हो, तब भी डेप्रिसिएशन WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर 2 लाख पर ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो, अब तो हम कर रहे हैं नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 करते हैं। एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर की अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब ओल्ड कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी न्यू कंपनी को। ठीक है, तो अमलगमेटिंग कंपनी ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी को एसेट ट्रांसफर की ड्यू टू अमलगमेशन। कंडीशन यही है, ट्रांसफरी कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी हो, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, और ये अमलगमेशन स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी हो। अमलगमेशन स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी हो। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अमलगमेटिंग कंपनी ने, मतलब ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को जो एसेट ट्रांसफर की। अब यहां पे भी सेक्शन 47 की बात ध्यान रखना। सेक्शन 47 कैपिटल गेन हेड में दे रखा है कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ट्रांसफरर को कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, सेक्शन 47 में दे रखा है। ठीक है, वो बात तो ट्रांसफरर के लिए ध्यान रखनी है, और ट्रांसफरी के लिए नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। ट्रांसफरी को एसेट मिली है, उस एसेट पे ट्रांसफरी डेप्रिसिएशन लेना चाहेगा तो नोशनल कॉस्ट पे अलाउ होगा। ठीक है, अब यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा, अब वो बात समझते हैं। यहां पर नोशनल कॉस्ट क्या होगी, पढ़ने से क्या लगता है आपको? देखिए, लिखा है नोशनल कॉस्ट होगी सेम कॉस्ट विच वुड हैव बीन इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी हैड देयर बीन नो अमलगमेशन। अगर ये अमलगमेशन नहीं हुआ होता तो ओल्ड कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के हैंड्स में जो कॉस्ट होती। तो अब पढ़ने से ये फील आता है कि एक तरीके से यही बोल रहे हैं कि WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये ऊपर वाली लैंग्वेज ही रिपीट कर देते इधर भी, बट इधर लैंग्वेज अलग लिखी गई है और इसका इंपैक्ट अलग है। वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे, इंपैक्ट अलग है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका अमलगमेशन। फिर सेम पॉइंट फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 7A, उसमें भी लगता है। वो है डी मर्जर का मैटर। डी मर्जर हुआ ड्यू टू डी मर्जर, डी मर्ज्ड कंपनी ओल्ड कंपनी ने, डी मर्ज्ड कंपनी ने न्यू कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर की। ओल्ड कंपनी डी मर्ज्ड कंपनी, उसने एसेट ट्रांसफर की न्यू कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को ड्यू टू डी मर्जर, और ये डी मर्जर की स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी है, और ये रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन क्या? रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी हो और ये डी मर्जर की स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में रिजल्टिंग कंपनी को एसेट मिली, नोशनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगी रिजल्टिंग कंपनी। और नोशनल कॉस्ट क्या होगी? नोशनल कॉस्ट होगी कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, क्या होगी? शेल बी सेम एज इफ द डीमर्स कंपनी कंटिन्यूड टू होल्ड द एसेट। अगर इस एसेट को ओल्ड कंपनी डीमर्स कंपनी ही होल्ड करती तो जो कॉस्ट मानी जाती वही रिजल्टिंग कंपनी के लिए नोशनल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो
एक्सप्लेनेशन नंबर 7 और 7A, मतलब अमलगमेशन और डी मर्जर, इसमें एक तरीके से इफेक्ट सही नहीं आता है, हम समझेंगे इसको आगे एग्जांपल से बात करेंगे। इसमें एक बात और समझना, एक हमने पढ़ा प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, अमलगमेशन और डी मर्जर के केस में वो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन वाली बातें भी अप्लीकेबल हो जाती हैं। तो ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी, प्रीडिसेसर सक्सेसर, ये देखो अमलगमेशन का मैटर और डी मर्जर, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन हम पढ़ चुके हैं, प्रीडिसेसर सक्सेसर को डेप्रिसिएशन मिलेगा, अलोकेट करेंगे पहले टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अगर अमलगमेशन डी मर्जर मिड ऑफ द ईयर हुआ तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। ठीक है, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 अमलगमेशन के केस में लगता है, 7A डी मर्जर के केस में लगता है, और यहां जो नोशनल कॉस्ट लेने की बात बोली है ना वो एक और केस में लगती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 12 कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या होता है? सेबी एक्ट 1992, उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन का मीनिंग दे रखा है। देखिए पहले क्या होता था, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होते थे वो कंपनी और एओपी फॉर्म में हो सकते थे, नहीं सोसाइटी और एओपी फॉर्म में हो सकते थे, मतलब उनका स्टेटस सोसाइटी और एओपी हो सकता था, लेकिन सेबी ने कॉर्पोरेटाइजेशन की स्कीम निकालकर बोला कि अब से कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कंपनी फॉर्म के अलावा किसी फॉर्म में दिखना नहीं चाहिए। तो जितने भी पहले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सोसाइटी और एओपी फॉर्म में बने थे उनको खुद को कन्वर्ट करना पड़ा कॉर्पोरेट फॉर्म में। तो जो स्कीम निकाली गई उसे कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम कहा गया। तो ओल्ड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो सोसाइटी और एओपी फॉर्म में था, न्यू कंपनी क्रिएट करके सारी एसेट्स लायबिलिटीज उसको ट्रांसफर करनी पड़ी। ठीक है, तो ओल्ड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने न्यू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी फॉर्म में है उसको एसेट ट्रांसफर की। एसेट न्यू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो कॉर्पोरेट फॉर्म में कंपनी फॉर्म में उसको एसेट मिली, तो वो न्यू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नोशनल कॉस्ट क्या होगी? नोशनल कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिगार्डेड एज द अमाउंट हैड देयर बीन नो सच कॉर्पोरेटाइजेशन। अगर ये कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ होता तो जिस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन अलाउ होता वही लिया जाएगा नोशनल कॉस्ट। ठीक है, तो अब मैं बोलूं नोशनल कॉस्ट की ये जो बातें हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 7 जो अमलगमेशन के केस में लगता है, 7A डी मर्जर के केस में लगता है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 12 कॉर्पोरेटाइजेशन के केस में लगता है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इस केस में लगता है, और इस केस में मीनिंग सेम है सारा। तो मैं मुद्दा उठाता हूं अमलगमेशन का और वो सब बातें इन पे भी अप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं और साथ ही साथ प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन वाली भी बातें ध्यान में रखना, प्रीडिसेसर सक्सेसर दोनों को डेप्रिसिएशन बांटना भी रहेगा वो भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ये सारा हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, उसका पॉइंट नंबर F, X लिमिटेड अमलगमेट हो गई Y लिमिटेड के साथ, कब? 29 अगस्त 2022 को। WDV ओपनिंग WDV as on 1 अप्रैल 2000
22 को दे रखी है और डेप्रिसिएशन रेट ईच ब्लॉक की दे रखी है और कितनी वैल्यू पर एसेट ट्रांसफर की गई वो भी दे रखा है। तो ट्रांसफर क्या क्या हुआ, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन पर अप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट दे रखी है और WDV क्या थी एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को, बेसिकली ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है तीनों ब्लॉक्स की दे रखी है और ट्रांसफर किस प्राइस पर हुआ, ये ट्रांसफर वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू जिस पर एसेट ट्रांसफर हुई। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें इन एसेट्स पर और अमलगमेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1B की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से समझना, अमलगमेशन केसेस में डेप्रिसिएशन कैसे अलाउ होगा, आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन की भी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और नोशनल कॉस्ट का भी कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। अब देखो सारी एसेट्स का तो मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ एक एसेट उठाता हूं, एक ही ब्लॉक उठाता हूं, बिल्डिंग, बाकी प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का ब्लॉक आप कर लेना, मैं सिर्फ बिल्डिंग के ब्लॉक की बात समझा देता हूं एज इट इज, फिर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर वाले ब्लॉक पे भी बातें अप्लीकेबल हो जाएंगी, मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात बताऊंगा। आप देखो बिल्डिंग के पॉइंट्स क्या है, बिल्डिंग पर अप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट है 10% और ओपनिंग WDV है 10 लाख, ट्रांसफर हुआ 9 लाख पर। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, ढंग से समझना। देखो आपके केस है X लिमिटेड का अमलगमेशन हो गया Y लिमिटेड के साथ, तो ओल्ड कंपनी कौन है, ओल्ड कंपनी है X लिमिटेड और न्यू कंपनी है Y लिमिटेड, X लिमिटेड और Y लिमिटेड, ये ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन 10% की रेट से मिलना है तो कितना मिलना है, 1 लाख। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्या बोलता है, आप इग्नोरिंग चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप चेंज हुई है इस बात को इग्नोर करते हुए पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हो तो आपकी क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू रह जाती है 9 लाख, 9 लाख रह जाती है। ठीक है, अब आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन 1 लाख का दोनों में बांटना है। ठीक है, देखिए एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेशन कब हुआ, अमलगमेशन की डेट आपको दे रखी है 29 अगस्त 2022 को, तो 29 अगस्त 2022 को अमलगमेशन हुआ। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्या बोलता है, 28 अगस्त तक के दिन एक्स लिमिटेड के हैं, तो अप्रैल से लेकर 28 अगस्त तक के दिन कैलकुलेट करो, अप्रैल के हुए आपके 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के कितने लोग, 29 अगस्त से तो वाई लिमिटेड के पास एसेट चली गई तो एक्स लिमिटेड को तो 28 दिन का ही मिलेगा। ठीक है, तो X लिमिटेड को कितने दिन का डेप्रिसिएशन रहेगा, 30 + 31 + 30 + 31 + 28, 150 डेज का डेप्रिसिएशन। तो इस केस में 150 डेज का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 1 लाख दोनों में बांट दिया जाएगा, तो समझो इस बात को कि 150 150 डेज हो गए
एक्स लिमिटेड के, ठीक है, और वाई लिमिटेड के रिमेनिंग 365 डेज में से 150 डेज चले गए, तो 215 डेज एसेट को यूज किया वाई लिमिटेड ने, तो इस रेशियो में पूरा 1 लाख का डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डेप्रिसिएशन एक्स लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 लाख टोटल डेप्रिसिएशन है, 150 डेज एसेट एक्स लिमिटेड की अपॉन 365, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कैलकुलेटर चलाए, इनटू 150 अपॉन 365, ठीक है, तो आपका एक्स लिमिटेड का डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली आता है 41,096, ठीक है, और वाई लिमिटेड को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 1 लाख इनटू 215 अपॉन 365, तो वाई लिमिटेड का डेप्रिसिएशन रह जाएगा, वाई लिमिटेड का डेप्रिसिएशन रहेगा 58,904। तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन के पॉइंट का तो इफेक्ट देना ही है, ठीक है, दोनों को डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली अलग होगा, वो तो एक पॉइंट है ही, लेकिन अब इस मुद्दे पे भी तो बात करनी है कि वाई लिमिटेड को नोशनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अलग होगा। अभी तक आप क्या समझे, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है 10 लाख ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी, 1 लाख डेप्रिसिएशन लेस हो गया, हमें 9 लाख तक पहुंचना है, कैसे भी करके बाय हुक और कुक 9 लाख पहुंचना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैलकुलेशन होगी कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के लिए एसेट 10 लाख, WDV इसका डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, वो आया था 41,096, ठीक है। अब आप बोलोगे ये इसमें से 10 लाख में से इसका खुद का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, 41,096 10 लाख में से 10 लाख में से माइनस 41,096 लेस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9,58,904, फिर ये वैल्यू इसके पास चली जाएगी 9,58,904, फिर ये अपना डेप्रिसिएशन लेस करेगा 58,904, वाई लिमिटेड अपना डेप्रिसिएशन लेस करेगा, और बाय हुक और कुक हम 9 लाख पर पहुंच जाएंगे, 9 लाख पर पहुंच जाएंगे, हमको 9 लाख पर ही पहुंचना था, हमको 9 लाख पर ही पहुंचना था, आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है बाबू, तो क्या करना होता है, ये गलत है, तो क्या करना रहेगा, वाई लिमिटेड के केस में क्या होगा समझना आप। अब देखो, अब ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन तो प्रोपोर्शनेट वाई लिमिटेड वाला लेंगे, और अब जो लैंग्वेज लिखी थी, लैंग्वेज को दोबारा एक बार पढ़ लो, लैंग्वेज थी सेम कॉस्ट विच वुड हैव बीन इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी हैड देयर बीन नो अमलगमेशन। तो सेम कॉस्ट, इस बात का क्या मीनिंग है, सेम कॉस्ट का मीनिंग है ये इधर आ जाएगी, तो 10 लाख में से ये लेस हो जाएगा, तो 10 लाख में से वाई लिमिटेड अपना डेप्रिसिएशन लेस करे, 10 लाख में से कैलकुलेटर चलाए 58,904
0.04 लेस करते। तो वाई लिमिटेड के हाथ में आप डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बच जाएगा 941,096। तो ये नहीं रहेगा, ये सही ट्रीटमेंट ये है। तो ये नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये होगा, लेकिन ये तभी होगा जब ये वाई लिमिटेड ट्रांसफरिंग कंपनी क्या हो, इंडियन कंपनी हो। अगर वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी हो, ठीक है, तो वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी है तो ये हो जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा बात और बता देता हूं, या कुछ नहीं दे रखा है कि वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में मैं दोनों तरीके से कर लेता हूं, कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो अगर वाई लिमिटेड फॉरेन कंपनी हो तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट तो एज इट इज काम आएगा, ठीक है। और यहां पर 10 लाख के बजाय ट्रांसफर प्राइस आएगी। ट्रांसफर कितने में किया गया पूरा ब्लॉक, ट्रांसफर कितने में किया गया पूरा ब्लॉक, 9 लाख में। तो इधर ट्रांसफर प्राइस आएगी, तो ट्रांसफर प्राइस 9 लाख आएगी, ठीक है। तो 9 लाख में से ये लेस करें 58,904, तो इस सिचुएशन में हो जाएगा आपके 8,41,096, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आंसर से क्रॉस टैली कर ले। डेप्रिसिएशन प्रीडिसेसर को अलाउ हुआ, ये सक्सेसर को अलाउ हुआ, ठीक है। इसके हाथ पे WDV क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये इंडियन कंपनी नहीं हो, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी नहीं हो, क्या हो, फॉरेन कंपनी हो, तो इधर 10 लाख हो जाएगा। और इधर भी 10 लाख ही लेना, इधर पहले 10 लाख लेना है अगर इंडियन कंपनी है तो, इधर 10 लाख लेना है, और अगर फॉरेन कंपनी हो तो ट्रांसफर प्राइस 9 लाख लेनी है, ठीक है। बता दी आपको बात, लिख के बता दी। चलिए, तो यहां पर हमने दो बातें समझी, क्या समझा, एक तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट का इफेक्ट देना है, दूसरा नोशनल कॉस्ट का भी इफेक्ट देना है, ठीक है। अब बातें वैसे और भी हैं, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर कौन है, एक्स लिमिटेड को कैपिटल गेन होगा क्या ये एसेट ट्रांसफर करने से। एक्स अगर ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, एक्स लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, तो ट्रांसफरर नहीं, ट्रांसफरी कंपनी वाई लिमिटेड अगर इंडियन कंपनी है तो ट्रांसफरर एक्स लिमिटेड को कैपिटल गेन होगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन या लॉस हुआ, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफरी कंपनी फॉरेन कंपनी हुआ, ट्रांसफरी कंपनी फॉरेन कंपनी है, तो ट्रांसफरर को एक्स लिमिटेड को कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ट्रांसफरर की बातें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। रीजन, ट्रांसफरर के लिए कैपिटल गेन का सेक्शन 47 लगाना है, ट्रांसफरी के लिए नोशनल कॉस्ट और प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन वाली बातें साथ में लगानी है। मतलब तीन पॉइंट क्या ध्यान रखने थे, ट्रांसफरर के लिए कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है या नहीं सेक्शन 47, ट्रांसफरी के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, ट्रांसफरी के लिए प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन वाली बात, और ट्रांसफरी के लिए नोशनल डेप्रिसिएशन वाली बात भी ध्यान रखनी है। समझ आई बात। चलिए, अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 8। एसेट एसएससी ने लोन लेकर परचेस की थी, लोन के लिए एसएससी ने एसेट परचेस करने के लिए लोन लिया था।
लोन पर एसएससी का इंटरेस्ट एक्सपेंस लग रहा है, तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या होगा? जब तक वो एसेट पुट टू यूज होती है, अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, उस लोन का इंटरेस्ट उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। और एसेट पुट टू यूज हो जाने के आफ्टर पीरियड का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो पुट टू यूज की डेट रेलेवेंट डेट है, उससे बिफोर पीरियड का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। पुट टू यूज की डेट के बाद के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, तो ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, मिस्टर डी ने 2 लाख का लोन लिया 1 अप्रैल 2022 को, इस पर इंटरेस्ट रेट 12% है, कोई रिपेमेंट नहीं किया इस साल, लोन एक कार को परचेस करने के लिए यूज किया गया और कार पुट टू यूज हो गई 1 अगस्त 2022 को, कार की फुल कॉस्ट 7 लाख है, ठीक है, उसमें से 2 लाख ये लोन का पैसा था और बाकी मिस्टर डी ने अपने ओन फंड से यूज किया, ठीक है, तो 2 लाख का लोन था, कार की कॉस्ट 7 लाख है, ठीक है, तो 2 लाख पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस कार की कॉस्ट 7 लाख में एड ऑन हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट, ठीक है, 2 लाख पर 12% 4 महीने का, ठीक है, 4 महीने का क्यों, 4 महीने का क्यों, 4 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा क्या? देखो डेट ऑफ पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का तो रेवेन्यू है, ठीक है, तो लोन कब लिया गया, 1 अप्रैल को, डेट ऑफ पुट टू यूज क्या, 1 अगस्त, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अगस्त से तो यूज कार हो गई, तो 4 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वो हो जाएगा 8000, वो 7000 में एड ऑन हो जाएगा और इस एसेट की कॉस्ट 7 लाख 8000 मानी जाएगी। और डेट ऑफ पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1 अगस्त से जो इंटरेस्ट लगेगा, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। फिर अगर एसएससी जो एसेट परचेस करता है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है, जैसे 1 लाख के एसेट खरीदी उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, तो एसेट का बिल है, टोटल इनवॉइस वैल्यू है 1,18,000, ठीक है, तो एसेट का बिल, एसेट की वैल्यू 1 लाख, उस पर जीएसटी लगा हुआ है 18%, 18,000, टोटल 1,18,000, इस जीएसटी तो एसएससी को इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, तो ये आईटीसी 18,000 लेस हो जाएगी, एसेट की एक्चुअल कॉस्ट 1,18,000 में, मतलब डेप्रिसिएशन 1 लाख पर मिलेगा। और ये बात सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में भी दे रखी है, ठीक है, कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के एलिमेंट पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में भी दे रखी है और यहां एक्सप्लेनेशन नंबर 9 में भी दे रखी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पर लग जाएगा आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 9, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, मशीन परचेस किए मिस्टर ई ने 50,000 की और उस पर 9,000 जीएसटी लगा हुआ है, इसकी वो इसकी
इसकी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, तो उसको नोशनल कॉस्ट मानी जाएगी 50,000। ठीक है, यहां पर आपके लग गया एक्सप्लेनेशन नंबर 9। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 9 के हिसाब से 50,000 इसकी एक्विजिशन कॉस्ट बनी जाएगी, 50,000 पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। रीजन 9,000 वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 10, एक्सप्लेनेशन नंबर 10 करते हैं। वेयर ए पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इज मेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एनी अदर अथॉरिटी पर्सन, अगर किसी एसेट की कॉस्ट को मीट आउट किसी अनदर पर्सन ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, अनदर पर्सन ने किया है, एसएससी को बदले में उस एसेट को खरीदने के लिए सब्सिडी ग्रांट मिली या रीइंबर्समेंट मिला, तो ये सब्सिडी ग्रांट और रीइंबर्समेंट के अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा एसेट की कॉस्ट में से। मान लीजिए 1,00,000 के एसेट को खरीदने के लिए एसएससी को सब्सिडी मिली 80,000 की, ठीक है, तो एसेट का बिल 1,00,000, 80,000 की सब्सिडी मिली, ये सब्सिडी 1,00,000 में से डिडक्ट हो जाएगी, तो एसएससी को डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए नोशनल कॉस्ट 20,000 माना जाएगा, उसको 20,000 पर ही डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। और कई बार क्या होता है, मल्टीपल एसेट्स मोर देन वन एसेट के कनेक्शन में एक सब्सिडी मिलती है, एक ही सब्सिडी मिलती है और वो मोर देन मल्टीपल एसेट्स के कनेक्शन में रिसीव होती है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, एवरेज सब्सिडी निकालेंगे। एवरेज सब्सिडी कैसे निकालेंगे, टोटल सब्सिडी इंटू कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक एसेट, उस इंडिविजुअल एसेट की कॉस्ट और सारी एसेट्स की कॉस्ट नीचे लिखेंगे जिनके लिए सब्सिडी मिली है। फॉर एग्जाम्पल एसएससी को दो एसेट्स खरीदनी थी, एसेट ए और एसेट बी। एसेट ए 1,00,000 की खरीदनी थी और एसेट बी 2,00,000 की खरीदनी थी, तो एसएससी को पैसा चाहिए 3,00,000, ठीक है, एसएससी को पैसा चाहिए 3,00,000, बट इन दोनों एसेट्स को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल सब्सिडी दी 2,50,000 की, तो हम एवरेज सब्सिडी निकालेंगे कि ए के लिए सब्सिडी कितनी मिली, 2,50,000 इंटू ए की कॉस्ट 1,00,000 अपॉन ऑल एसेट्स की कॉस्ट 3,00,000, ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, 2,50,000 का 1/3 83,333, और बी की सब्सिडी कितनी मिल मानी जाएगी, 2,50,000 इंटू 2/3, ठीक है, तो 2,50,000 में से ये हो गया आपकी, इसकी सब्सिडी कितनी मानी जाएगी, 1,66,667, ठीक है। तो अब नोशनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, ए की कॉस्ट में से इसकी सब्सिडी लेस कर दो, बी की कॉस्ट में से इसकी सब्सिडी लेस कर दो, ठीक है, तो ए और बी की नोशनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, ए की 1,00,000 माइनस 83,333, ये हो जाएगा 16,667, और बी के लिए 2,00,000 माइनस 166,667, ठीक है, तो इतना हो गया, एक इस एसेट बी की कॉस्ट मानी जाएगी 33,333, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट सब्सिडी निकालेंगे और वो उन एसेट्स की कॉस्ट में से लेस कर देंगे, तो हमारे पास नोशनल कॉस्ट आ जाएगी, ए की नोशनल कॉस्ट 16,667 और बी की नोशनल कॉस्ट 33,333, ये नोशनल कॉस्ट माना जाएगा, इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा।
ठीक है, चलिए अब इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब बात करते हैं, अब एक केस दे रखा है वो कर लेते हैं, एक केस लॉ समझ लेते हैं हम। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में। इस केस में क्या हुआ, एसएससी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट ने लोन दिया था, लोन दिया था ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको लोन दिया था एसडीएफ अकाउंट से, गवर्नमेंट फंड है उसमें से दिया, और बाद में गवर्नमेंट ने इसका रीपेमेंट माफ कर दिया, वेव कर दिया, मतलब वेवर ऑफ लोन कर दिया। एसएससी को गवर्नमेंट से बेनिफिट मिला, गवर्नमेंट से लोन मिला था, गवर्नमेंट ने वो लोन वेव कर दिया, वेवर ऑफ लोन हो गया ठीक है। तो अब एसएससी को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है क्या, एसेट की कॉस्ट में से एसएससी ने ये वेवर ऑफ लोन, एसएससी ने एसएससी को गवर्नमेंट से लोन मिला, वो लोन माफ कर दिया ठीक है, गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, तो एसएससी ने क्या किया, वो लोन का वेवर एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दिया ठीक है, एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो लेस कर दिया, लेकिन अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते वक्त एसएससी ने बोला ये कोई सब्सिडी थोड़ी है, ये तो वेवर ऑफ लोन है, तो मैं एसेट की कॉस्ट में से कम क्यों करूं ठीक है, एसेट की कॉस्ट में से कम क्यों करूं, ये कोई सब्सिडी थोड़ी ना है, ये तो वेवर ऑफ लोन है, इस पर एक्सप्लेनेशन नंबर 10 तो लगेगा नहीं ठीक है। तो ये वेवर ऑफ लोन एसेट की कॉस्ट में से लेस होगा या नहीं, देखिए कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि यस एसएससी का केस एक्सप्लेनेशन नंबर 10 में फॉल नहीं करता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 10 तो प्योरली सब्सिडी ग्रांट और रीइंबर्समेंट का मामला है, इस केस में तो एसएससी को वेवर ऑफ लोन हुआ है तो एक्सप्लेनेशन नंबर 10 तो लगता नहीं है, एसएससी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में मेन सेक्शन सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 लग जाएगा, और उसमें एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग क्या दे रखा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट इफ एनी एस हैज बीन मेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। तो एसेट की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से वेवर ऑफ लोन लेस कर दिया जाए, वेवर ऑफ लोन लेस कर दिया जाए ठीक है, तभी उसकी नेट एक्चुअल कॉस्ट आएगी, और इस नेट एक्चुअल कॉस्ट पर ही एसएससी को डेप्रिसिएशन दिया जाएगा ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला हमें पता है कि इस केस में एक्सप्लेनेशन नंबर 10 लगता नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 10 तो सब्सिडी ग्रांट और रिइंबर्समेंट के मामलों पर लगता है, यहां तो एसएससी को वेवर ऑफ लोन हुआ है, तो गवर्नमेंट यहां कोर्ट ने अप्लाई किया कि सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 मेन बॉडी, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 की मेन प्रोविजन हम अप्लाई करते हैं, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कोई अथॉरिटी वगैरह से, एक मिनट यहां पर लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखिए एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन दे रखी है आपको, एक्चुअल कॉस्ट वाला, यहां नोशनल कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, यहां तो एक्चुअल कॉस्ट की बात हो रही है, एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 उसमें जो दे रखा है वो काम आएगा, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट वो काम आएगा यस, एक्चुअल कॉस्ट वाले सेक्शन में ही दे रखा है, अमाउंट ओरिजिनली इनकर्ड फॉर द एसेट एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट व्हिच इज मेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। तो इस केस में वेवर ऑफ लोन भी एक्चुअल कॉस्ट में से लेस होगा, और बैलेंस एक्चुअल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन अलाउ होगा ठीक है। तो चलिए
आज की क्लास में इतना ही।